और सभी प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखेंगे। किसी ने जो पूछना होगा तो हैंड रेज कर सकता है, उसको नाम मैं लूंगा फिर आपको अलाउ किया जाएगा। तो पहली क्लास में हमने कोई खास नहीं कराया था, पहली क्लास में हमने बताया था कि एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए आपके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है? तो चलो ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ, यहाँ से थोड़ा रिवाइज हो जाएगा फटाफट, कुछ लोग नए हैं तो उनको पता लग जाएगा। देखिए ज्योतिष क्या है, ज्योतिष एक आकाश में घूमते हुए जो हमारे पिंड हैं जिनको हम ग्रह बोलते हैं उनकी कैलकुलेशन है। और एक आकाश के अंदर 360 डिग्री हमारा एनवायरनमेंट है, ये देखिए 360 डिग्री है, ये पूरा मतलब एक पूरा ब्रह्मांड बोल सकते हैं इसको। अब ये पूरा ब्रह्मांड जो 360 डिग्री है, इस ब्रह्मांड के अंदर एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी पाथ बोल सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए रिंग रोड किसी ने देखी हो दिल्ली के अंदर, या हर शहर के अंदर एक मेन रोड होती है आने और जाने की, तो मेन ट्रैफिक वहां से गुजरता है। तो इसी तरह से इस 360 एनवायरनमेंट में, पूरे 360 डिग्री के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक इमेजिनरी पाथ है जिसको बोला जाता है रवि मार्ग। रवि मार्ग ये एक ऐसा पाथ है कि सारे सारे प्लेनेट जो हमारे इस गैलेक्सी में, जो हमारा सौर परिवार जिसको बोलते हैं, सौर मंडल बोला जाता है, सौर परिवार जिसमें हमारे 7 विजिबल प्लेनेट हैं, वो सारे सारे प्लेनेट मूव कर रहे हैं, ठीक है? वो कहाँ कर रहे हैं, उनका एक पाथ है। ये नहीं कि कोई भी प्लैनेट कहीं भी मूव कर रहा है अपनी मर्जी से, उस प्लेटफॉर्म पर चलकर, मतलब उस एक एक ऑर्बिट में चल चलकर, एक एक लेन में चलकर, उसकी स्पीड कम ज्यादा है हर प्लैनेट की, लेकिन सबकी एक एक कहते हैं ना, एक रोड है सबकी, जिसकी भाई सूर्य इसी रोड पर चलेगा, मतलब कहने के लिए सूर्य चलता नहीं है, सूर्य तो स्टिल है लेकिन अर्थ मूव कर रही है। लेकिन हम सूर्य को ले लेते हैं कि अर्थ स्टिल है और सूर्य मूव कर रहा है, ठीक है? चंद्रमा का ये पाथ है, बुध का ये पाथ है, मंगल का ये पाथ है, सबके एक लाइन है, लेकिन उन सबकी अगर अगर रोड देखेंगे तो उसको बोला जाता है रवि मार्ग। इसका मतलब है ये एक रवि मार्ग इमेजिनरी लाइन है आकाश में, जिसमें सारे सारे प्लैनेट अपनी अपनी लेन के अंदर अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं, तो इसको बोला जाता है रवि मार्ग। तो ये एक इमेजिनरी पाथ है, और इसको बोला जाता है भाचक्र, इसको बोलते हैं राशि चक्र भी बोलते हैं, भाचक्र भी बोलते हैं। और जिस मार्ग पर चलती है लाइन, मिडल लाइन होती है, उसको रवि मार्ग बोला जाता है। देखिए इस तरह का ये एक चीज है, मान ले ये पूरा ब्रह्मांड था, उस ब्रह्मांड में ये एक बेल्ट है, एक रोड है, जिस रोड पर सारे प्लैनेट ने मूव करना है। अब क्या ये बेल्ट फिक्स है, 360 है, और 360 बेल्ट के बाद हमने क्या किया, 360 बेल्ट के हमने 12 पार्ट कर लिए, ठीक है? वो बोल दिया 12 घर, 12 हाउस। जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं तो उसमें 12 खाने होते हैं, तो ये 12 खाने वही हैं, तो ये फिक्स हैं बिल्कुल, ठीक है? फिक्स हैं। इन 12 खानों में अभी आकाश में कोई हमने एक लाइन देखी, एक इमेजिनरी लाइन, और उस लाइन के 12 पार्ट बना दिए उस सर्कल के, और इस पर्टिकुलर एक भाव में, मतलब जो हमने सर्कल काटा है या एक सेक्शन बनाया है, इस सेक्शन में हमने क्या देखा कि क्लस्टर ऑफ स्टार, मतलब हजारों स्टार हैं। आपको पता है आकाश में हजारों क्या करोड़ों स्टार हैं कि आप गिन भी नहीं सकते, लेकिन उन करोड़ों स्टार में से एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, मान ले ये यहां से यहां तक हमने देखा आकाश में, तो इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर एक बहुत सारे आकाशीय पिंड यानी कि बहुत सारे तारे होंगे, और वो तारे क्या, कुछ बहुत लाइट हैं, कुछ बहुत डार्क हैं। तो जो डार्क तारे हैं उन तारों को अगर डॉट डॉट को मिलाया जाए, जैसे हम बच्चे को क्या करते हैं शुरू में, बहुत ही नर्सरी क्लास का बच्चा है तो उसको क्या, मतलब कैट बनानी है या काइट बनानी है, तो उसको डॉट डॉट लगाकर दे दिया। अब जब बच्चा उस डॉट को मिलाता है आउटर बाउंड्री को, तो क्या एक पिक्चर बन जाती है। तो ये जो राशियां बनी हुई हैं, ये राशियां क्या है, ऋषियों ने, या आप भी अगर टेलीस्कोप से किसी एक पर्टिकुलर दिशा में एक पर्टिकुलर प्लेस स्पेस को देखते हो आकाश में, तो वहां पर एक आकाश का एक इनका अपना तारों का झुंड है। अगर उस तारे के झुंड को अगर हम आउटर बाउंड्री की मिलाएं, जो ब्राइट तारे हैं उनको मिलाएं, तो एक आकृति बन जाती है। वो जो आकृति बनी और वो किस स्पेस में बनी, किस जगह बनी,
यहाँ बनती है, यहाँ बनती है, तो ये जब एक आकृति बन जाती है तो वो राशि, उसको हम नाम देते हैं राशि, ठीक है, राशि। जैसे एरीज साइन है, तो एरीज साइन का मतलब है भेड़, तो एरीज साइन क्या मतलब है, बहुत सारे स्टार मिलकर जब उनको मिलाया गया तो एक एक पिक्चर डेवलप हुई और उस पिक्चर का एक नाम दिया गया। अब नाम भी ऐसा दिया ऋषियों ने कि उस एरा के अंदर जब 5,000 साल पहले लिटरेचर लिखा गया तो वो प्राणी, वो जीव उस वक्त भी अवेलेबल था, आज भी अवेलेबल है, और जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक मानव जीवन रहेगा, तब तक वो जीव इस अर्थ के ऊपर रहेगा। तो ऐसे नाम उन्होंने खोजे, उस पिक्चर को उसे कोलेट किया, उनका नाम दे दिया राशि। तो एरी साइन, जो जोडिक साइन है हमारे, ये सारे उन्हीं नाम से बने हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार, यानी कि स्टार से मिलकर बनी है राशि, हजारों स्टार से मिलकर एक राशि बनती है। ठीक, तो पहले तो हमने 12 पार्ट कर लिए, तो 12 भाव बन गए। हर भाव के अंदर एक राशि है, एक क्लस्टर ऑफ स्टार को जो मिलाया था, एक राशि, एक आकृति बनी, तो वो बनाया गया राशि। तो 12 भाव होते हैं कुंडली के अंदर और 12 ही राशियां होती है। तो पूरा ज्योतिष जो भी है हमारा, इन्हीं 4 ये पिलर हैं ज्योतिष के, और जिसको ये समझ में आ गया उसको ज्योतिष आ जाएगा। ज्योतिष क्या है, 12 भाव, 12 राशि, 9 प्लैनेट और 27 नक्षत्र। 9 प्लैनेट में जो 2 प्लैनेट है राहु एंड केतु, दैट इज छाया ग्रह, और बाकी जो 7 प्लैनेट हैं वो हमारे क्या है, विजिबल प्लैनेट हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनकी एनर्जी हम ले रहे हैं। और जो राहु एंड केतु है वो उनको ग्रह मान लिया गया है, लेकिन कैलकुलेशन, अगर मैथमेटिकल बातचीत देखी जाए तो एक मैथमेटिकल पॉइंट है वो मैथमेटिकल कौन से पॉइंट है। अब देखिए, सन स्टिल है, सूर्य के चारों तरफ सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं, जिसमें अर्थ भी मूव कर रही है सूर्य के चारों तरफ, और अर्थ के चारों तरफ कौन मूव कर रहा है, चंद्रमा। तो सूर्य के चारों तरफ अर्थ घूम रही है और हमारे अर्थ के ऊपर चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगाते लगाते अर्थ घूमती है, चंद्रमा घूमता है, तो 2 पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पर चंद्रमा का एक्सिस और पृथ्वी का एक्सिस कट जाता है, जिस एक्सिस पे वो घूम रहे हैं, तो वो है राहु एंड केतु। तो अभी समझने की जरूरत नहीं, जब मैथमेटिकल कभी होगा तो वो आगे बता दिया जाएगा। अभी इतना याद रखो कि ये मैथमेटिकल पॉइंट है, ये कोई ग्रह नहीं है, लेकिन इनका इंपॉर्टेंट रोल बहुत ज्यादा है। तो इनको, लेकिन जब हम प्रेडिक्टिव पार्ट करते हैं तो इनको ज्योतिष में ग्रह मान लिया गया है, वैसे छाया ग्रह है, इनको बोला था शेडो प्लैनेट। तो 7 विजुअल प्लैनेट है, जिसके हिसाब से आपके सप्ताह के नाम रखे हुए हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इसी तरह से 7 ग्रह हैं, 12 भाव, 12 राशि, 27 नक्षत्र। 12 भाव क्या, भाव फिक्स होते हैं हमेशा। ये देखिए, आपने एक कुंडली देखी होगी, इस तरह से आप एक कोई भी चार्ट देखते हैं, कुंडली देखते हैं, तो इस तरह से बनी होती है। ये है हमारा नॉर्थ इंडियन स्टाइल कुंडली को बनाने का, ये एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, ये है साउथ इंडियन स्टाइल। तो हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो नॉर्थ इंडियन कुंडली को फॉलो करते हैं, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए ये साउथ इंडियन स्टाइल होता है और ये है नॉर्थ इंडियन स्टाइल। तो क्या मतलब है, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल का मतलब है कि खाने हैं, देखिए 12 भाव, जो 3 डायमेंशन में हमने ये देखा था, ये 3 डायमेंशन में हमने चीज देखी है, इसको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया गया यहाँ पर, ये 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया, वो तो 3 डायमेंशन दिख रहा है, ये 2 डायमेंशन दिख रहा है। जो हमने वहां खाने बनाए थे, स्पेस बनाया था, पहला, दूसरा, तीसरा, जो इक्वल 360 के 12 भाव किए थे, खाने बनाए थे, वो ये हैं, ये तो ये 12 खाने होते हैं। इनको भाव बोलिए, हाउस बोलिए, खाना बोलिए, कुछ ही बोल सकते हो आप। इनके अंदर जो नंबर लिखे होते हैं, दैट इज राशि, बने बताया 12 भाव, तो 12 भाव फिक्स है। ये पहला भाव है, इसको बोला था लगन भाव, या पहला भाव, फर्स्ट हाउस, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको असेंडेंट, जिसका जो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AS, लिखा ना, देखिए AS, असेंडेंट। अब डिग्री वगैरह छोड़ दो, वो बाद में समझाया जाएगा। तो असेंडेंट यानी कि लगन, लगन बोलो, असेंडेंट बोलो, पहला भाव बोलो, कुछ ही बोलो। और यहां पर क्या है, एक राशि है, ये राशि का नंबर क्या लिखा, 9। तो पहले समझ लो भाव क्या होते हैं, भाव फिक्स है, हमने बना खाने बना लिए, ये वो फिक्स है यूनिवर्स में, हमारी अर्थ घूम रही है लेकिन वो फिक्स है आकाश में। तो ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, और इसमें काउंटिंग क्या है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो पहला ये, दूसरा ये, ये दूसरा ये, बन ये नहीं आएगा भाव, दूसरा भाव ये है, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठा, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवेंथ और ट्वेल्थ, ये भाव फिक्स हैं हर कुंडली के लिए, हर इंसान के लिए। जब कुंडली बनेगी तो ये वाला भाव 12वां ही भाव रहेगा सभी के लिए। तो ये भाव क्या होता है, फिक्स है बिल्कुल। इनके अंदर जो राशियां हैं ये मूवेबल हैं, ये राशि कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो राशि कोई भी आ सकती है,
अब ये राशि कैसे आती है वो फिर थोड़ा आगे एडवांस लेवल में बताएंगे कि राशि लग्न में यही राशि क्यों बनी। सबसे पहले थोड़ा सा मैं एक क्लू दे देता हूँ कि जो राशियां होती हैं 12 जोड़ी एक साइन है, आप सभी को पता है 12 के 12 जोड़ी एक साइन आपको पता होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में नाम। तो एरीज से शुरू होता है और मीन तक राशि होती है हमारी, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मेष राशि से लेकर आपकी मीन राशि, इंग्लिश में एरीज साइन से लेकर पाइसिस साइन। तो आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में नाम याद होने चाहिए। जो नंबर लिखा होता है कुंडली के अंदर दैट इज राशि। अब जो नौ नंबर लिखा है, नौ नंबर का मतलब है सेजिटेरियस साइन या धनु राशि, ये मतलब है इसका। तो इस तरह से जो एक राशि यहाँ पर लिखी है उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में राशि यहाँ लिखते चले जाएंगे, 9, 10, 11, 12। 12 के बाद क्या राशि आती है, पहली राशि, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांच छह सात और आठ। तो सबसे पहले 12 भाव और 12 राशि होती है। इन भावों के अंदर कुछ प्लैनेट लिखे हुए हैं, देखिए सूर्य सन है ना, वीनस मरकरी, मरकरी को लिखते लिखा जाता है मी, ME से मरकरी, मरकरी मतलब बुध, वीनस को शॉर्ट फॉर्म लेते हैं वी ई वीनस, शुक्र, मार्स को लिखते हैं MA मंगल, राहु केतु, केतु ये रहा राहु ये रहा, जुपिटर को लिखा जाता है बृहस्पति, बृहस्पति को लिखा जाता है जुपिटर, JU लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म है, चंद्रमा को मून तो MO, शनि को सैटर्न SA। तो पहले बस भाव फिक्स है, भाव के अंदर राशि जो लगन के अंदर राशि आ जाएगी उसके बढ़ते हुए क्रम में हम बाकी राशियां लिखना शुरू कर देंगे। 12 राशि होती है, 12 के बाद फिर एक नंबर की राशि, तो इस तरह से हम राशियों को प्लेस कर लेते हैं। और हर वक्त प्लेनेट किसी ना किसी राशि के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है। हम कहते हैं ना भाई चंद्रमा कौन सी राशि में आज, तो भाव फिक्स है, भाव के अंदर राशियां होती हैं और हर प्लेनेट किसी ना किसी राशि के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है हर वक्त। तो जब कोई बच्चा पैदा होता है उस वक्त जिस राशि में जो प्लेनेट उस वक्त होता है ट्रैवल करते हुए, इसको बोलते हैं गोचर का प्लेनेट। तो जो प्लेनेट जिस राशि में उस वक्त होता है जब आप पैदा होते हैं, तो जब वो कुंडली बनती है तो आपकी कुंडली में वो राशि के अंदर उसी प्लेनेट को प्लेस कर दिया जाता है। यानी कि जब ये बच्चा पैदा हुआ उस वक्त सूर्य धनु राशि में था है ना, मकर राशि में मरकरी और वीनस थे, राहु स्कॉर्पियो साइन में था, तो उस वक्त की कुंडली बन जाती है, तो दैट इज कुंडली। ठीक, इतना समझिए अभी आप। जैसे आपको बताया ग्रह 9 ग्रह हैं, राशि 12 राशि है, नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं, अब इनका डिग्री भी है। अब 360 डिग्री टोटल है हमारे पास, इन 360 में से 12 राशि बनाएंगे, जब 360 को 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट कितने का 30 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह 27 नक्षत्र हैं, तो टोटल 360 को जब हम 27 पार्ट में डिवाइड करेंगे तब बन जाती है एक नक्षत्र की जो वैल्यू है वो आती है 13 डिग्री 20 मिनट। इनको याद कर ले बस, अभी अभी इसमें कुछ और समझाने वाला नहीं है। और जब एक नक्षत्र को हम चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं दैट इज चरण, उसको बोला जाता है चरण। तो पहले हमने राशि को क्या किया, राशि को नक्षत्र में डिवाइड किया, मतलब एक राशि में लगभग लगभग 2.25 नक्षत्र होते हैं। अब एक नक्षत्र के फिर चार हिस्से कर दिए, तो यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट के चार हिस्से करेंगे तो एक हिस्से का वैल्यू आएगी 3 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, तो टोटल कितने चरण होते हैं हमारे, 108 चरण होते हैं, क्योंकि 27 × 4 तो 108 चरण होते हैं। और जब इनको कैलकुलेट करते हैं तो टोटल है 360, इनको जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा 360 डिग्री। तो इसलिए आपने देखा होगा जब कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हो तो एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है, 108 की माला फेरो, 108 बार मंत्रों की चंटिंग करो। तो ये 108 यहां से आया है, 108 ये टोटल जो चरण होते हैं, टोटल मिला के जो चरण होते हैं 108 चरण होते हैं। तो इसलिए जब आपको चैंटिंग के लिए बोलते हैं कि भाई मंत्रों के जाप करो, चैंटिंग करो, माला फेरो 108 की, तो इसका मतलब ये है कि आप जो मंत्र कर रहे हो एक एक चरण राशि के नक्षत्र के एक एक चरण की आपने चैंटिंग कर ली, बस ये मतलब है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में नाम ये है, हिंदी में नाम ये है मेष ऋषभ मिथुन कर्क, उनका सीक्वेंस फिक्स है, जो जोड़ी साइन है इनका सीक्वेंस फिक्स है कि कर्क राशि है चौथे नंबर की राशि है। तो इसलिए जब हम कभी कुंडली के अंदर इन राशियों को प्लेस करते हैं तो इनका नाम नहीं लिखते, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते हैं। तो एरीज को 1 बोल दिया गया, टॉरस को 2, मिथुन को 3, तो ये सीक्वेंस फिक्स है, तो हम पूरा नाम लिखकर इनके नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में नाम याद होने चाहिए आपको, हिंदी में जैसे ये नाम है इंग्लिश में ये नाम है, एरीज टॉरस जेमिनाई कैंसर लियो वर्गो लिब्रा स्कॉर्पियो। इस तरह से जो राशियां हैं
हमारे जो प्लैनेट कितने हैं मैंने बताया आपको, प्लैनेट हैं 7 विजिबल प्लैनेट और 2 इनविजिबल प्लैनेट। जो छाया ग्रह हैं उनकी कोई लॉर्ड नहीं होती, कोई लॉर्डशिप नहीं है, वो किसी के मालिक नहीं है, लेकिन जो 7 प्लैनेट हैं वो मालिक हैं किसी ना किसी राशि के। इसमें से सूर्य और जो चंद्रमा हैं, दो ऐसे प्लैनेट हैं जो सिर्फ एक एक राशि के मालिक हैं। जैसे कि लियो साइन सिंह राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है सूर्य, और कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि का स्वामी जो प्लैनेट है या लॉर्ड है वो है चंद्रमा। तो ये दो राशि ऐसी हैं इनका जो स्वामी है एक ही ग्रह है, एक ही प्लैनेट है, लियो का सूर्य, और कैंसर जो साइन है इसका जो लॉर्ड है या मालिक है वो चंद्रमा है इस राशि का। प्लीज म्यूट रखेंगे प्लीज। अब बचे ओके कितने, 10 राशियां बची, क्योंकि 12 राशि थे ना टोटल, तो दो जोड़ी एक साइन तो निकल गए। अब टोटल राशि में से दो निकल गए तो बची राशि दो, और सॉरी 10 राशि बची, और प्लैनेट कितने बचे, दो निकल गए हैं, 7 में से बचे 5। तो राशियां 10 बची हैं और प्लैनेट है 5, तो हर प्लैनेट किसी दो राशि का स्वामी ग्रह है यानी कि लॉर्डशिप है उसके पास दो राशि की। अब जैसे मंगल देखिए आप, मंगल क्या है, एरीज साइन का लॉर्ड है या मेष राशि का स्वामी है मंगल। और यहां पर देखेंगे वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन, इसका भी स्वामी कौन है, मंगल। तो सूर्य चंद्रमा को छोड़कर बाकी जितने भी 5 ग्रह बचे हैं वो ग्रह दो दो राशियों का स्वामी प्राप्त है, उनको स्वामी है वहां के लॉर्ड है। ठीक, अब शुक्र देखिए, शुक्र क्या है, टॉरस साइन या ऋषभ राशि, और लिब्रा या तुला राशि, इन दोनों का स्वामी कौन है, शुक्र ग्रह है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में नाम याद हो, कौन सी राशि का कौन सा प्लैनेट लॉर्ड है वो आपको याद होना चाहिए। लास्ट टाइम हमने सिर्फ यहीं तक किया था, ठीक है, मोटा मोटा। सर हाँ प्लीज रिपीट कर लीजिए ना, इसको जी, रिपीट कर लीजिए, किसको, रिपीट कर लीजिए। ठीक है। तो आप ये दोबारा वीडियो पढ़ेंगे या स्लाइड में भेज दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा सारा। अब मैंने आपको बताया 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र होते हैं, जब ये 27 नक्षत्र 12 राशियों में ही है, तो लगभग लगभग एक राशि के अंदर कितने नक्षत्रों का वास होगा, लगभग लगभग सवा दो, 12 दूनी 24, और बचे कितने, 3 नक्षत्र बचे हैं, 27 है ना टोटल। अब 3 को फिर 12 में डिवाइड करो तो लगभग 1/4 आता है के अंदर, तो लगभग लगभग सवा दो, या बोलेंगे हम 2 क्वार्टर नक्षत्र एक राशि में होते हैं। मान लीजिए एरी साइन है मेष राशि, तो मेष राशि में जो सबसे पहला नक्षत्र है वो है अश्विनी नक्षत्र, तो अश्विनी नक्षत्र पूरा आएगा, भरणी नक्षत्र पूरा आएगा, और कृतिका का एक चरण बताया था ना, हर नक्षत्र के फिर 4 चरण होते हैं, तो अश्विनी नक्षत्र के 4ों चरण मेष राशि में आते हैं, भरणी नक्षत्र के 4ों चरण मेष राशि में आते हैं। ठीक है, तो दोनों नक्षत्र तो पूरे आ गए। अब बाद में बचा कृतिका, अब क्यों आगे पूरे, एक नक्षत्र का मैंने मान क्या बताया था, एक नक्षत्र का मान था 13 डिग्री 20 मिनट, और एक राशि का मान कितना होता है, 30 डिग्री। अश्विनी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट, भरणी नक्षत्र फिर 13 डिग्री 20 मिनट, तो 13 डिग्री 20 मिनट 13 डिग्री 20 मिनट को ऐड किया तो कितना आया, 26 डिग्री 40 मिनट, और टोटल कितना होता है, टोटल होता है 30 डिग्री। तो 26 डिग्री 40 मिनट तो इन्होंने जगह घेर ली दोनों ने, अब बचा कितना, 3 डिग्री 20 मिनट। तो एक नक्षत्र के एक चरण का मान होता है 3 डिग्री 20 मिनट, तो यानी कि जो अगला नक्षत्र होगा कृतिका उसका जो पहला चरण है वो मेष राशि में आएगा। ठीक है, तो ये मतलब है, तो मोटा मोटा ये है कि एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं। अब ये इस चार्ट के माध्यम से आप जान सकते हो कि एरी साइन में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और कौन कौन से कितने चरण आते हैं, तो ये एक डायग्राम ये है, और नहीं तो आगे भी कहना कि स्लाइड में हमने लिखा हुआ है। अब ये नक्षत्र है, नक्षत्रों की सीक्वेंस भी फिक्स है, जिस तरह ज्योतिष की सीक्वेंस फिक्स है उसी तरह से नक्षत्रों की सीक्वेंस भी फिक्स है। और ये 27 नक्षत्र है, तो 27 के 27 नक्षत्र आपको आज नहीं कल ज्योतिष करनी है तो याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो याद रख लिए, प्लीज नहीं ई बुक होती है, ई बुक में से कट कट म्यूट पे करके रखें, ये वीडियो आप ही के पास जाने वाली है फिर। ठीक है, जो मैंने प्रिंट आउट निकाला है, ई बुक है ये सारा, भी देखना सर तो प्लीज कुछ आप ही पता म्यूट कर दीजिए चलेगा। सबको। आपको म्यूट करके रखो बस, इसमें क्या, सब समझदार बच्चे हैं। तो अश्विनी पहला नक्षत्र है, भरणी दूसरा, कृतिका तीसरा, रोहिणी चौथा, पांचवा मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, पूर्व फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा,
श्रवण, घनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वावातपद, उत्तरावातपद एंड रेवती। इनको हिंदी और इंग्लिश में इसी तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, कोई प्रोनाउंसिएशन फर्क नहीं है। इसी की रेवती है तो रेवती ऐसे लिखेंगे, में लिख देंगे इसको बस, ठीक है। तो ये नक्षत्रों के सीक्वेंस 27 नक्षत्र जितनी जल्दी याद हो जाए उतनी जल्दी बढ़िया है, और उनको इसी तरह से लिखना है। अश्वनी से लेकर पहले 9 लिखेंगे अश्लेषा, फिर 9 से 10वां नक्षत्र यहाँ लिखेंगे मगा, फिर 18 तक यहाँ लिखेंगे, फिर 19वां नक्षत्र यहाँ आएगा और 27वां नक्षत्र। ये क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास कितने प्लैनेट कितने हैं? 9। और एक प्लैनेट के अंदर, मतलब एक प्लैनेट जो है वो 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है। एक प्लैनेट के अंदर 3 नक्षत्र हैं, ठीक है। तो ये भी मतलब है, तो इसका मतलब ये है, मान लीजिए पहले हमने लिखा मान मेष राशि लिखी, तो मेष राशि में पहला अश्विनी नक्षत्र था। देखो मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? अश्विनी नक्षत्र, बड़ी नक्षत्र और कृतिका का पहला चरण। तो ये देखिए खींचिए ना, ये लाइन खींचिए। और ऋषभ राशि में क्या है? कृतिका के बाकी 3 चरण जो बचे हैं वो आएंगे, रोहिणी पूरा आएगा और फिर मृगशिरा 2 नक्षत्र आएंगे। तो इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा इसको, है ना। अभी नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा आपको क्लू दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा। ये सर नक्षत्र क्या है? प्लैनेट को स्टार्स है, स्टार समझ लीजिए मैडम, स्टार समझ लो इनको, स्टार समझ लो आप। ओके ठीक है, तो इनको इसी सीक्वेंस में याद करना है। अभी कुछ चीजें ऐसी हैं आपको शायद समझ नहीं आएंगी, लेकिन जो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप एज इट इज जाने दो। जितना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना सुनो, और जो मैं बोल रहा हूँ कि ये याद कर लो सिर्फ, अभी वो सिर्फ याद कर लीजिए। इनके मतलब तो आगे जीवन भर सिर्फ यही 7 ग्रह, 12 राशि, 12 भाव, 27 नक्षत्र पढ़ने हैं पूरी जिंदगी भर, और कुछ है ही नहीं ज्योतिष में। लेकिन ये 7 जन्म भी कम है इनको पढ़ने के लिए। अब लास्ट में मैंने ये किया था राशियों का आकार, तो ये सिर्फ स्लाइड से पढ़ लेना, मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल के तौर पर पढ़कर बता रहा हूँ, क्योंकि हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, तो आप वीडियो सुनेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। जैसे एरी साइन है, अब एरी साइन कैसे बनी? यह राशि परिक्रमा मार्ग कौन सा है? परिक्रमा मार्ग रवि मार्ग, बताया था ना, एक ऐसी बेल्ट जहां पर सारे सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं, तो एक बेल्ट है वो। ये पहली राशि है उस परिक्रमा मार्ग की, एक पहला सेक्शन है ये समझो आप। इस राशि की शुरुआत 0 अंश से लेकर 30 डिग्री तक होती है, मतलब कोई भी स्टार्ट कहां से होगा? 0 से लेकर स्टार्ट होगा, तो 0 से लेकर 30 डिग्री तक की राशि होती है। यह राशि अंतरिक्ष में मेढे जैसी आकृति दिखाई देती है, तो इसकी जो आकृति बनी, मतलब डॉट डॉट मिलाए गए ना, जो आउटर बाउंड्री जो स्टार थे बहुत सारे वहां पर, तो ये मेढे जैसी है ना, भेड़ जैसी नजर आई। अब आपको भेड़ की क्वालिटी पता होना चाहिए, तो सारी सारी क्वालिटी उस इंसान के अंदर होंगी जो उन्होंने जीव बताया है। अगर हम दूरबीन से देखते हैं तो हमें आकाश में एक मेंढा दिखाई देता है, जब आकाश में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप टेलीस्कोप से देखेंगे ना, तो वो जो स्टार होंगे बहुत सारे मल्टीपल स्टार होंगे, लाखों स्टार हो सकते हैं, जितने चमक रहे होंगे, जब उनके आउटर बाउंड्री को मिलाओगे तो ऐसी आकृति समझ में आएगी आप, जिसमें हजारों तारों के झुंड होते हैं जो कि चमकते हैं। यह राशि, अब एक राशि को हमने बहुत तरह से क्लासिफाई कर दिया, अब ये राशि की अपनी वैल्यू है, समझिए राशि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो राशि से इंसान की करेक्टरिस्टिक पता लग जाती है, क्योंकि जो राशि लगन के अंदर होगी, जैसा राशि का स्वभाव होगा, जो उसकी करेक्टरिस्टिक होगी, वैसे ही उस इंसान का नेचर होगा, ऐसी उसकी आदतें होंगी, ठीक है। तो राशि को हम 5 से तरह से डिवाइड कर देते हैं, उसको बाइफर कर देते हैं। कैसे? पहले तो क्या बोला है, यह राशि पुरुष जाति की राशि है, तो पहले तो मेल और फीमेल में राशि को बांट दिया, तो ये क्या है? मेल राशि है। अब मेल की क्या करेक्टरिस्टिक होती है आपको पता होना चाहिए, कि मेल क्या है? एक्टिव एनर्जी है, फीमेल क्या है? पैसिव एनर्जी होती है, ठीक है। दूसरा क्या है? अग्नि तत्व की राशि है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए तत्व कितने होते हैं, टोटल 5 तत्व होते हैं जिसे पूरा ब्रह्मांड बना है, जिसे हर इंसान बना है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश और एयर, हवा। तो ये 5 तत्व है हमारे। तो ये राशि कौन सी तत्व की राशि है? ये राशि है अग्नि तत्व की। अब अग्नि की करेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए, क्या अग्नि का मतलब क्या है? अग्नि का मतलब होता है एनर्जेटिक होना। तो जो इंसान मेष राशि का होगा उसके अंदर ये सारे गुण मिलेंगे। अब आपको क्या है, पहले पुरुष जाति की राशि है, मस्कुलर बंदा होगा वो, है ना, सोच, फिजिकल अपीयरेंस उसकी फेमिनाइन नहीं होगी, मेल की तरह होगी। दूसरा अग्नि तत्व, मतलब अग्नि का मतलब है आपकी फिजिकल फोर्स, फिजिकल एनर्जी, दमखम, तो वो है आपके पास अग्नि तत्व की राशि है। कलर इसका रेड है, तो हो सकता है उसका जो चेहरा हो, है ना, हाथ उसके हो, रहता ना जैसे लालीपन लिए होता है उस तरह का हो,
इसका स्वभाव, अब इसकी नेचर, राशि की नेचर क्या, चर। राशियों की जो स्वभाव है, राशि जो मूवेबल साइन है, फिक्स साइन है या ड्यूअल साइन है, राशियों को चर, स्थिर और ध्रुवी स्वभाव तीन तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब आपके तीन तरह से मूवमेंट हो सकती है, या तो आप मूवेबल हो चलायमान, या फिक्स हो बैठे हो, या आप बैठ भी सकते हो और चल भी सकते हो। तो तीन तरह की आपको राशि को डिवाइड कर सकते हो आप। तो ये मेष राशि है, प्लीज म्यूट रखें वरना मुझे म्यूट करना पड़ेगा सबको फिर। तो जो चर राशि है, जो मेष राशि है, उसका स्वभाव क्या, मूवेबल है, वो मूवेबल है। इसका मतलब है जो इंसान मेष राशि में पैदा हुआ या उसका चंद्रमा मेष राशि का है, वो टिक के नहीं बैठ सकता, हर वक्त उसको बदलाव चाहिए। मूवेबल का मतलब होता है बदलाव, वो बदलाव पसंद बनता है, वो जॉब भी ऐसी करनी पसंद करेगा जहां पर मूवमेंट हो। अगर उसको बोल दिया कि 8 घंटे सिर्फ इसी सीट पर बैठ के काम करना है तो काम नहीं कर पाएगा, उसको मूवमेंट चाहिए, उसको चेंजेस चाहिए हर वक्त। ठीक है, तो यह है स्वभाव के हिसाब से, यह पूरब दिशा की स्वामी है। तो जितनी हमारी राशियां हैं ये किसी ना किसी दिशा में दिशा को रूल करती है। जो मेष राशि है वो पूरब दिशा नहीं है, इस दृष्टि को रूल करती है। अब इसके मतलब क्या है, ये आगे पता लगेंगे आपको। क्षत्रिय वर्ण है। अब हमारे यहाँ जो क्लासिकल ने इंसानों का जो वर्गीकरण किया था वो जाति के अनुसार नहीं किया है, आपके जो कर्म है ना, उसके हिसाब से किया है। और कर्म सिर्फ चार प्रकार के बताए गए हैं शास्त्रों में। पहला क्या है, क्षत्रिय वर्ण हो सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध, चार तरह की कैटेगरी हो सकती है इंसान की, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शुद्ध। क्षत्रिय का मतलब क्या है, जितने भी आर्म्स फोर्स है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिसके पास है, वो है क्षत्रिय वर्ग के बंदे। ब्राह्मण वर्ग कौन है, जो ये सारे कर्मकांड करते हैं या जितने ओकल्ट साइंस पढ़ते पढ़ाते हैं, ये सारा सारा काम आता है ब्राह्मण वर्ग में। वैश्य वर्ग में कौन आता है, जितना भी लेन देन का काम है, जो अपना जीवनचर्या या जीवन जो अपना लेन देन से बिताते हैं, मतलब कुछ खरीद फरोख्त से आपने सामान लिया और पैसे दिए, ये बिजनेस है आपका, तो शॉपकीपर बिजनेसमैन जितने भी हैं क्या कर रहे हैं, सामान दे रहे हैं या पैसा ले रहे हैं, तो लेन देन का काम जो है वो वैश्य वर्ग में आता है। और शूद्रा वर्ग में कौन है, जो निम्न कैटेगरी की जो जॉब कर रहे हैं, जो किसी के अधीन काम कर रहे हैं, जो क्लैरिकल काम है, आपके नीचे मेड, आपके घर में मेड काम करती है, जितनी भी लोअर तरह की जॉब है, वो वैश्य वर्ग में शूद्रा वर्ग में आता है। कैटेगरी चार वर्गों में है। तो ये मेष राशि कौन सी है, क्षत्रिय वर्ण की राशि है। अब क्षत्रिय वर्ण आपको पता है क्षत्रिय में क्या पावर होती है, क्षत्रिय क्या काम करता है, दमखम वाला बंदा है, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार है ना, तो क्षत्रिय है वो। क्षत्रिय का मतलब आपको वैसे ही पता होना चाहिए क्या होता है। दूसरा रात्रि बलि। अब इसको कुछ राशियां होती हैं दिन में बलि होती हैं, दिन में पावरफुल होती हैं, बलि का मतलब पावरफुल। कुछ राशियां होती हैं रात को पावरफुल होती हैं, तो इसके अलग मतलब है कि आप कौन सी राशि के बंदे हो, आपकी राशि रात में बलि होती है, दिन में बलि होती है, तो इसका मतलब उस वक्त में आप ज्यादा पावरफुल हो जाते हो। तो रात राशियों को दिन में रात में बलि जो कौन होती है उस तरह से बाइफर किया गया। यह पीठ के बल उदय होती है। अब उदय होना मतलब राशियां उठती बैठती भी हैं, क्योंकि राशि का मतलब है कोई जीव, वो कैसे उठता है, कैसे बिहेव करता है। कुछ प्राणी आपने देखे हैं, कुछ जीव है पीछे से उठते हैं पहले, फिर आगे के पैर उठाते हैं, कुछ है पहले आगे के पैर उठाएंगे फिर पीछे के उठाएंगे। तो राशियों के उठने के हिसाब से भी उनको बाइफर कर दिया गया है। तो जो मेष राशि है वो क्या, पीठ के बल उठती है, पहले पीछे से उठेगी, उठेगा ये भेड़, फिर आगे से उठता है। तो इसके बड़े गहरे मतलब हैं, जब आप ज्योतिष पढ़ने जाएंगे तो जीवन भर यही काम आएगा आपको। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन सी राशि, एक टेबुलर फॉर्म में बना लेना, जैसे कि अभी किसी हमारे स्टूडेंट ने बोला था कि सर आपके पास टेबुलर फॉर्म है तो दे दो, तो मैंने कहा पहले खुद मेहनत करो, मैं तो दे दूंगा बाद में, खुद मेहनत करोगे, लिखोगे हाथ से, पढ़ोगे एक स्लाइड को, तो आपको आधी नॉलेज तो वैसी हो जाएगी। ठीक है, अब ये लगे ही कहाँ, ये बहुत जगह लगती है, प्रश्न कुंडली में लगती है, आपको जब किसी का करेक्टर एनालाइज करना है, किसी इंसान को पहचानना है, इसका नेचर क्या हो सकती है, ये सारी सारी चीजें वहां लगेंगी। ठीक है, कुछ राशि होती है मान ले बला पीठ के बल उदय होने वाली, कुछ है आगे की पृष्ठोदय, कुछ है उभयोदय आगे की तरफ उठने वाली, तो उस इंसान का नेचर क्या होगा, वो सामने आके वार करेगा, पीछे से वार करने वाला है, बैकबाइटिंग करने वाला इंसान है, या मुंह पे बोलने वाला इंसान है, सब चीजें यहां से निकल कर आएंगी फिर, क्योंकि अभी हम प्रेडिक्टिव पार्ट नहीं कर रहे, अभी तो हम सिर्फ 3 महीने तो बिल्कुल कोई प्रेडिक्शन का नाम भी नहीं है, पहले कंटेंट को समझे हम, उसके बाद जीवन भर प्रेडिक्शन ही करनी है हमें। विषम संख्या वाली होती है विषम। अब क्या है, एरी साइन का मतलब है पहले नंबर की राशि, वन नंबर, और वन नंबर क्या है, ऑड है, इवन है, ऑड है, तो ये ऑड राशि है। चंचल व उग्र प्रवृत्ति की है ना, चंचल है उग्र प्रवृत्ति भी देख लीजिए कौन सी प्रवृत्ति है,
तो उग्र प्रवृत्ति है। फायर क्या है? उग्र है ना, फायर शांत तो होती नहीं, फायर की जो नेचर होती है वो उग्र होती है। पित्त कारक, अब जब वात पितन कब, अब ये कहां काम आएगा? डिजीज में काम आएगा भाई। आपको किस कौन से तरह की डिजीज हो सकती है ना, आप किस तरह के इंसान हो, तो उससे आपकी जिस तरह के आप आपकी बॉडी है, उस तरह के जिस तरह के आप इंसान हो, उस तरह का आपका बिहेवियर होगा, उसी तरह की बीमारी आपको लगेंगी। मान लिया पित्त कारक राशि है, तो आपको क्या है, मैक्सिमम जो रोग होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी वो पित्त संबंधित जो रोग है वही आपको हो सकते हैं अगर आप इस राशि में पैदा हुए हैं। तो जो इस राशि में पैदा हुआ है उसमें सारी सारी करेक्टरिस्टिक नेचर बिहेवियर इन्हीं सब का आएगा जो मैंने अभी लिखा है, ठीक है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो हमने क्या है, एज पर आयुर्वेदा आपको जो भी बीमारी लगती है वो त्रिदोष जो बोले हैं उनके इम्बेलेंस होने से लगती है। त्रिदोष क्या है? वात पितन कफ। तो आपका नेचर, आपने आपके आपको इंसान, आपको भगवान ने क्या इंसान क्या देकर भेजा है, आपके अंदर से क्या मेटाबॉलिज्म है, क्या नेचर है आपके अंदर की बॉडी की, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है या वायु प्रधान है, तो उसके हिसाब से आपको बाइफर किया गया। तो इससे आपको जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे ये वहां काम आएगा, ठीक। तो इस तरह से हमने सारी राशियां दी हुई है, मैं आज सारी स्लाइड्स ये आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आप सारी राशियों को पढ़ें कि कौन सी राशि की क्या करेक्टरिस्टिक है ना, और थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर लगाएं कि मैं क्या इस तरह का इंसान हूं क्या। तो अपनी अपनी राशियां किसी सॉफ्टवेयर में डालो अपना डिटेल और देखो आपके लग्न में कौन सी राशि आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप उस राशि से कोई ना कोई कोरिलेशन बनेगा। ये प्लीज कौन पेन चला रहा है, ये कोई नाम बताएगा किसने पेन चलाया है? सॉरी सर, सॉरी, अरे कोई बात, मुझे लगा मैं ऑफ स्क्रीन हूँ सर। ओके चलो, कोई सॉरी, वेरी सॉरी सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती सब माफ है, कोई बात, मुझे पता है ऐसी कोई हरकत करेगा नहीं। तो ये हमने लास्ट टाइम मीन राशि तक एक एक राशि को पकड़ा था कि उसकी राशि की करेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है? राशि पढ़ लेना, जीवन भर लास्ट टाइम अपन ने सिंह लग्न तक पढ़ा था, कोई बात नहीं, पढ़ लेना, मेरा कहने का मतलब है चलो सिंह से पढ़ा देता हूँ, थोड़ा एक दो राशि और पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक दो राशि और पढ़ लेता हूँ। अब मान ली कन्या राशि पढ़नी है, कन्या राशि पढ़ लो भाई, कन्या राशि। अब अंतरिक्ष में क्या कन्या राशि क्या है, अब कन्या राशि क्या नजर आती है जब आकाश में एक पर्टिकुलर आगे मूव करते हैं, क्योंकि पांच देख चुके हम सेक्शन, जब छठे सेक्शन की तरफ हम टेलीस्कोप घुमाते हैं तो कन्या राशि में एक एक लड़की की पिक्चर नजर आती है ना, इस तरह से एक वहां फिगर नजर आती है हमें लड़की की। तो क्या है, कुछ हाथ में लिए हुए हैं ऐसा कुछ लग रहा है जब आकाश में देखते हैं। तो इस राशि की करेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए वैश्य वर्ण की, वैश्य वर्ण है, वर्ण की राशि है, वैश्य वर्ण क्या होता है, लेन देन। तो क्या मतलब है इसका, जो व्यक्ति इस राशि में पैदा हुआ है उसके अंदर ये गुण है, जैसे कहते हैं ना डीएनए, वो बदल नहीं सकते आप, तो इस तरह ये राशि, राशि का मतलब है डीएनए, जिस राशि में आप पैदा हो गए उस राशि की करेक्टरिस्टिक वो डीएनए में आपके आएगा, स्वभाव आपका, नेचर आपका, बिहेवियर इसी राशि की तरह होगा जो यहाँ लिखा हुआ है, उसको आप बदल नहीं सकते कभी, ये इनबिल्ट है आपके अंदर, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो आप, या कोई प्लैनेट, कोई और प्लैनेट वहां देख रहा है उस राशि को और कोई प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ रखा है तो थोड़ा सा मोल्ड हो जाओगे आप, लेकिन ये बेसिक नेचर आपका रहेगा, ये इस जर्नी में, इस जीवन में चेंज नहीं हो सकता। तो वैश्य वर्ण की है, वैश्य मतलब लेन देन में अच्छा रहेगा बंदा, लेन देन दिमाग चलेगा लेन देन में। द्वि स्वभाव वाली राशि है, द्वि स्वभाव बताया था ना, स्वभाव तीन तरह के होते हैं, चार स्थिर और द्वि स्वभाव, मूवेबल, स्टेबल एंड ड्यूअलिटी, तो इसका मतलब द्वि स्वभाव वाली राशि है। अब इसके एप्लीकेशन क्या होगी वो आने वाले वक्त में आपको बता लेंगे। सौम्य प्रवृत्ति है इसकी, सौम्य, जैसे एरी साइन क्या था हमने पढ़ा था अभी, उग्र राशि है, उग्र का मतलब है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, हर वक्त गुस्सा नाक पे रखे रहना, लेकिन क्या सौम्य प्रकृति की है। तो कन्या राशि वाले जो इंसान होंगे जिनका जन्म कन्या राशि में हुआ है तो क्या सौम्य है उनकी प्रवृत्ति, उतनी जल्दी गुस्सा नहीं करते हो, सॉफ्ट नेचर के हो। पृथ्वी तत्व, ये राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। अब आपको तत्वों का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, जैसे फायर एलिमेंट बताया था आपको, अनस्टेबल एलिमेंट है, फायर मतलब एनर्जी, भरपूर एनर्जेटिक बंदे हैं। तो जैसे कोई बच्चे, कोई पेरेंट पूछ जाते बच्चा बहुत शरारती है, तो आप देखो बच्चा वो शरारत ज्यादा करेगा जो फायर एलिमेंट की राशि से गवर्न हो रहा होगा। अब क्या है, वो एनर्जी उसको परेशान कर रही है, अंदर फायर जगी हुई है, जब तक वो फायर पसीने के रूप में है ना, खेल कूद में वो निकाल नहीं लेगा तब तक वो परेशान रहेगा। ये भी मतलब है इसका, बहुत मतलब है एलिमेंट के। पृथ्वी तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व का मतलब ये भी है कि ऐसे लोग
जो कन्या राशि पैदा हुए हैं वो धरातल पर पृथ्वी पर रहकर सोचते हैं हर चीज को, कहते ना ग्राउंड लेवल पर ले जाकर सोचो या धरती से जुड़े रहने रहने रहते हैं, जितने मर्जी ऊपर उड़ जाएं लेकिन हमेशा पृथ्वी तत्व से धरती से जुड़े रहते हैं वो, ये भी मतलब है। कोई भी चीज सोचेंगे तो स्टेबिलिटी के साथ सोचेंगे, है ना, हकीकत में, क्योंकि जो इंसान एयर एलिमेंट से गवर्न हो रहा होगा वो हवा में सोचेगा, लेकिन पृथ्वी तत्व की राशि वाले लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक जगह काम करेंगे। पृथ्वी तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व हर वो चीज जिसमें मास है, एक एक शेप है, वो पृथ्वी तत्व का है, ठीक। और पृथ्वी तत्व क्या, मान लो एक पेन है, ये पृथ्वी तत्व का पेन है। अभी मैं अगर टेबल पर रख दूं और एक साल ही मैं ना छेड़ू उसको या कोई ना छेड़े तो यही पड़ा मिलेगा ये, तो इसका मतलब है इनको स्टेबिलिटी पसंद है। तो अर्थ एलिमेंट का मतलब होता है स्टेबिलिटी, ठीक है। मिश्रित रंग, इनका कलर जो है मिश्रित है। स्त्री जाति, देखिए स्त्री जाति ये फेमिनाइन राशि है, तो इसका मतलब ये भी है कि जिस तरह से एक मेल फीमेल को क्या बोला गया, मेल है अग्रेसिव या पैसिव एनर्जी, और सॉरी एक्टिव एनर्जी, फीमेल है पैसिव एनर्जी। तो एक्टिव और पैसिव का मतलब यह है कि एक्टिव एनर्जी हमेशा फ्रंट में रहती है, पैसिव पीछे रहती है। तो इसका मतलब ये भी है कि ये लोग आगे आके नहीं पीछे रह के काम करना पसंद करेंगे, ये भी मतलब है इसका। स्त्री जाति का मतलब है स्त्री को क्या बोला गया, सौम्य। स्त्री को बोलो, हमारे यहाँ बोला गया ना माँ का रूप दिया गया है, तो सौम्य राशि है। सूर्य क्या है, हमारा पुरुष है या राजा है, और मून क्या, रानी है। तो मून स्त्री प्लैनेट है और सूर्य क्या है, मेल प्लैनेट है। तो स्त्री जाति की क्वालिटी इस राशि में आती है, इसका मतलब ये सौम्य है। दिखने में या हाव भाव में इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो कुछ कुछ फीमेल की तरह हो सकता है, जैसे नाजुक, यही बोला गया ना, मेल मेल को क्या, मस्कुलर मैन क्या बोला गया, जरा बॉडी उस तरह की होगी जरा जैसे माचो मैन टाइप। और स्त्री राशि की किस तरह की बॉडी होगी, उन इंसानों की, चाहे मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, लेकिन उनकी क्या होगी, सौम्य होगी, उनका शरीर इस तरह की फिजिक होगी या उनकी जो स्किन है कहीं ना कहीं वो फीमेल जैसी होगी, सॉफ्ट। सात्विक गुण है इसका, शीर्षोदय आगे की तरफ उठती है। शीर्षोदय के बड़े सारे मतलब है, जब आप पढ़ेंगे थोड़ा तब बताया जाएगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा क्यूरियोसिटी के लिए बता रहा हूँ। शीर्षोदय पृष्ठोदय का ये मतलब ये भी है कि ये जो भी काम करेंगे या मतलब किसी को कुछ कहना है तो सामने कहते हैं, पीठ पीछे कुछ नहीं कहते। शीर्षोदय आगे की तरफ उठती है, मतलब पीछे से उठने का मतलब है कि पहले दिखाई नहीं दे रहा ना, पीछे से उठ चुका वो बंदा, लेकिन आगे से बाद में उठ रहा है। और आगे से उठने का मतलब है आगे से उठ गया, दिख रहा है भाई आगे से उठ रहा है, फिर पीछे से उठता है। तो शीर्षोदय पृष्ठोदय इसका बहुत गहरे मतलब है, आगे जब ज्योतिष पढ़ेंगे तो सब चीजें लगती हैं। यह राशि दक्षिण दिशा में बलवान है, मतलब ये जो राशि है कन्या राशि या वर्गो साइन, ये साउथ दिशा में रूल करती है राशि। इस राशि का जो स्वामी है वो है मरकरी प्लैनेट, ठीक है। और आगे लिखा गया इसका रत्न है, पन्ना है, ऐसे व्यक्ति वो छोड़ दो, इसकी प्रेडिक्शन हम नहीं कर रहे अभी कि किस राशि की क्या प्रेडिक्शन होती है, ठीक है। एक दो राशि कर फिर हम आपके थोड़े क्वेश्चन से लेंगे, फिर कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। मान लें धनु राशि है, अब धनु राशि क्या मतलब है, देखिए धनु राशि की पिक्चर कैसे नजर आ रही है, आकाश में ऐसे नजर आ रही है। इसमें क्या है, एक जो इसका फेस है वो इस घोड़े, ये घोड़ा एक तरह से घोड़े का जो फेस है वो मनुष्य जैसा है, और ऐसा मनुष्य जिसने तीर कमान हाथ में लिया हुआ है, और जिसका निचले की बॉडी है यहाँ पर नजर आया वो एक घोड़े के समान नजर आया। तो धनु राशि वाले पिक्चर क्या होती है, ऐसी ये क्वालिटी आती है उसमें, उन लोगों में। तो क्या है, घोड़े से क्या पावर है, और ये क्या इंसान है, देखिए ऐसा इंसान जो कि तीर कमान साधे हुए खड़ा है, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, फोकस्ड होते हैं। फोकस क्यों है, तीर कमान ने निशाना साध रखा है इसने, सोचो, तो मतलब निशाना लगाने के लिए तैयार है। तो धनु राशि वाले लोग या धनु लगन वाले लोग क्या फोकस्ड होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। इंग्लिश में कौन सी है ये, हाँ जी इंग्लिश में कौन सी राशि, सैजिटेरियस, सैजिटेरियस, ठीक बताता हूं मैं अभी। तो क्या है, इसकी डिग्री लिखी हुई है, डिग्री ना भी याद हो कोई बात नहीं, लिब्रा नहीं होनी चाहिए, नहीं अच्छा सॉरी सैजिटेरियस, लिब्रा तुला राशि है। मैंने कन्या के बाद मैं रैंडमली छोड़ दी दो राशियां, स्लाइड आपको मिल जाएगी, मैं तो दो चार पढ़ाकर आपको, फिर आप अपने आप से पढ़ लेना, मैं तो बता रहा हूँ इनके मतलब क्या है, ताकि आप अपने घर पे बैठ के पढ़ें तो इनको डिकोड कर सके। तो सर, जो लगन में होगा वो चेक करना है, हाँ जी लगन में चेक करनी है। लगन क्या, आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, जो लगन से देखा जाता है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखी जाती है, आपका स्वभाव, फर्स्ट हाउस में जो राशि आपकी होगी वो जो राशि है उसकी जो करेक्टरिस्टिक है जो यहाँ लिखी जा रही है वो सारे गुण आप में होंगे,
100% ये बर्थ वाइज नहीं है, ये बर्थ वाइज नहीं है, लगन में जो है वो है। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लगन में जो राशि है। ठीक है, थैंक यू। तो ये राशि है घोड़े पर बैठे पुरुष और तथा धनुष, मतलब ये बर्थ वाली होती है ना, जब आदमी बोर्न होता है। हाँ, इंसान जब बोर्न होता है तो उसकी एक लगन राशि बनती है। राशि आपके पास दो तरह की होती है, एक होती है मून साइन, जहां चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो है आपका मून साइन। आपका मेंटल लेवल उससे देखा जाता है, नॉट फिजिकल लेवल। जब आपका किसी को फिजिकल लेवल किसी को एनालाइज करना है तो उसकी लगन राशि को एनालाइज करेंगे कि लगन में कौन सी राशि है, वो सारे गुण उसके फिजिकल अपीयरेंस में दिखाई देंगे आपको। ठीक है, उसके अंदर से वो गुण आएंगे। फिर जो मून साइन है आपका, उससे आपका स्वभाव बता लेता है कि अंदर से कैसे हो आप। अभी सीख जाएंगे धीरे धीरे। ज्योतिष थोड़ा पेशेंस का मामला है, पेशेंस रखना पड़ता है, ज्योतिष कभी जल्दी में नहीं आएगा और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सर, सन में क्या एक्शन का लेंगे क्या? हाँ जी, क्या सन में एक्शन का लेंगे? सर, मून अपना इमोशनल हो गया। हाँ, एंड सर लगन, अभी मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की मैडम यहाँ पर। नहीं सर, मैं लिख रही थी तो मैंने कहा पूछ लो। नहीं, नहीं लिखना नहीं, आप सिर्फ जो पढ़ रहा अभी पढ़ रहा हूँ ना उसको थोड़ा समझो। अभी तो बहुत कुछ है बताने के लिए, धीरे धीरे कोर्स आगे बढ़ेगा तो पता लगता रहेगा। हेलो सर। हाँ जी सर, ये कौन सी राशि कौन से खाने में आएगी, मतलब पहले खाने में कौन सी राशि आएगी, ये कैसे पता लगेगा? ये मैडम आपको किसी सॉफ्टवेयर में जब अपनी डिटेल डालेंगे तब आपको पता लगेगा। पहली बात तो सॉफ्टवेयर पे, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप अपनी डेट टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे तो कुंडली बनकर आ जाएगी। ठीक है, अभी वो फिर हमें कैसे पता लगेगा वो बता रहा हूँ। अभी वो कैसे कैलकुलेशन है, इसके पीछे बहुत बड़ा कैलकुलेशन है कि कौन सी राशि लगन में आती है जब आप बच्चा पैदा होता है, तो वो आपको आगे सिखाया जाएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत बड़ी वाली। ठीक है, अभी उसमें नहीं जा रहे हम। स्टार्टिंग में अगर उसमें जाएंगे तो गारंटी की बात है अगली क्लास में 10 बच्चे से ज्यादा नहीं मिलेंगे मुझे। ठीक है, अगर मैंने डाउट पूछा था सिखाने शुरू कर दी तो। सर एक डाउट पूछना था। हाँ जी, जैसे धनुराशि में लिखा है कि घुड़सवारी पसंद होती है इस बंदे को, क्या होती है इसका मतलब? घुड़सवारी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मैंने कहा ना प्रेडिक्शन पार्ट छोड़ दो अभी। ना ना सर, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या इसको ऐसे भी मतलब मान सकते हैं कि जैसे आजकल एसयूवी में जो लोग चलते हैं, एसयूवी भी मतलब एक पावरफुल व्हीकल होती है, तो बिल्कुल ठीक बात है, वो बोल सकते हो आप। पहले तो घुड़सवारी थी ना, अभी तो है नहीं सर। हाँ बिल्कुल, आप क्या आपकी बड़ी गाड़ी हो सकती है। राइट राइट, थैंक यू, हो सकते हैं। लेकिन फिर प्रेडिक्शन पार्ट बिल्कुल नहीं करना अभी, हमें सिर्फ राशियों को समझना है। अब ये क्या राशि, विषम राशि है, धनु है ना, और साइन है तो और साइन की राशि है। अब ये बोला गया जो इवन साइन की राशियां होती है उनको स्त्री राशि बोला गया है, वो सौम्य राशि है, और जो और साइन और की राशि है वो पुरुष प्रधान राशि है, मतलब वो थोड़ा सा मेल डोमिनेंसी वाली राशि है। इनका आकार मध्यम है, पुरुष राशि है, इनको मेल राशि बोला गया है। ठीक है, उग्र प्रवृत्ति है, उग्र मतलब एनर्जेटिक है बहुत ज्यादा। ये सतोगुणी, इनको गुण भी तीन तरह से गुण होते हैं, रजस तमस एंड सत्वगुण। गुण भी तीन तरह के होते हैं इंसान के अंदर, रजस तमस और सत्वगुण, तो ये सत्वगुणी राशि है। ठीक है, उग्र प्रवृत्ति तो है लेकिन सत्वगुण वाली राशि है, कि सत्व सात्विक तो है लेकिन फिर भी उग्र प्रवृत्ति है। जैसे कोई ऋषि हो और गुस्से वाला हो, जैसे दुर्वासा ऋषि वो है ना हमारे यहाँ, वह तो ऋषि लेकिन क्या है, उग्र प्रवृत्ति के है। तो ये राशि क्या है, सतोगुणी राशि है, सत्व गुण है इसके अंदर, सात्विक गुण है राशि के अंदर लेकिन क्या, उग्र प्रवृत्ति की। तो ये कौन सा ऋषि हुआ, एक तरह से दुर्वासा ऋषि। यह अग्नि तत्व की राशि है, तत्व में कौन सा है इस राशि के पास, अग्नि तत्व है, द्वि स्वभाव है इस राशि का, और पित प्रकृति की है, क्षत्रिय राशि है ये, पृष्ठोदय पीछे से उठती है राशि और पूर्व दिशा को रूल करती है राशि। ठीक है, तो अब सिर्फ इतना याद रखें, और राशियों के बारे में फिर पढ़ेंगे जब बाद में कि ये तो राशियों की प्रकृति बताई है, फिर किस राशि का क्या हो सकता है फिर आगे वो देखेंगे, लेकिन अभी राशि की प्रकृति समझो कि राशि को किस तरह से क्लासिफाई किया गया, उसके मतलब क्या है। अब जैसे कुंभ राशि है, कुंभ राशि में क्या नजर आता है, जब आकाश में देखते हैं तो एक इंसान है ना, सर पे गढ़ा उठाया हुआ है और ऐसा पानी डाल रहा है, तो इस तरह की एक मस्कुलर बॉडी नजर आती है और आकाश में घड़े लिए हुए एक इंसान नजर आता है हमें, बस ये समझो आप। ठीक है, तो इस राशि क्या क्या है, राशि क्रूर प्रवृत्ति की राशि है, पुरुष प्रधान राशि है, शुद्र वर्ण की है। देखिए कुंभ राशि का मतलब है शनि की राशि है ये, और शनि क्या है, शुद्र वर्ण है इसका,
तो निम्न तरह के काम कर सकते हैं। इंग्लिश में कौन सी है? कुंभ ये एक्वेरियस साइन हो गया ना, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस। तो ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, सबको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम याद होने चाहिए, क्योंकि हम कभी हिंदी और इंग्लिश में मतलब क्या होता है? हाँ जी, शूद्र वर्ण मतलब exactly? शूद्र, शूद्र मतलब जो निम्न तरह के जो मेहनती लोग होते हैं, जो अपना देखिए क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या होगा, क्षत्रिय भी हाथ से काम कर रहा है, शूद्र भी हाथ से काम कर रहा है, लेकिन क्षत्रिय क्या करेगा, क्षत्रिय एक रिस्पेक्टेड वो करेगा, वॉरियर है, वो युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है। हाँ। या कलम की पावर है उसके पास, पावर है, चाहे वो कोई अस्त्र शस्त्र की पावर है, कोई आर्म्स एंड एम्युनिशन की पावर है उसके पास, वो किसके पास होती है? सारा डिफेंस सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, पुलिस सिस्टम, सबके पास अथॉरिटी है ना, गन है, किसी के पास कुछ है। और जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो भी क्षत्रिय वर्ग से आते हैं, जो क्लास वन ऑफिसर है उनके पास क्या है, कलम की पावर। बताया ना, तलवार और कलम एक ही चीज है, जिसने साइन कर दिया तो तलवार की तरह काट दिया किसी को, ठीक है। तो जो क्लास वन ऑफिसर की जॉब है वो क्षत्रिय वर्ण की जॉब है, शूद्र वर्ण भी अपने हाथ से काम करता है, लेकिन वो किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, वो अथॉरिटी नहीं है, वो दूसरे के अधीन काम करते हैं, मेहनती होते हैं। शूद्र, शूद्र वर्ण का मतलब मेहनती लोग, ये भी मतलब है। स्थिर स्वभाव, स्वभाव में होता है ना मूवेबल, फिक्स्ड एंड ड्यूअलिटी, तो ये स्थिर वाले लोग हैं, एक जगह बैठ के काम करना पसंद करते हैं, स्टेबिलिटी पसंद है इनको। वायु तत्व की राशि है ये देखिए, लेकिन तत्व वायु है इसका, ठीक है। और वायु तत्व की आपको पता होना चाहिए, तत्वों की थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो वायु तत्व की मतलब क्या है कि ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल लेवल पर ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, और हवा में ज्यादा सोचेंगे। हवा, हवा, हवा का मतलब क्या है, कहते हैं ना हवा में बातें करता है, तो ऐसे लोग हवा में ज्यादा बातें कर सकते हैं, ये भी मतलब है। तो एक एक चीज लगानी है, तमोगुणी, अब ये तमोगुण है इसका, तमोगुण होता क्या है वो धीरे धीरे आपको बताया जाएगा, ठीक है। वो कहता है सत्वगुण था इससे पिछली राशि, ये तमोगुणी राशि है, तामसिक गुण है इस राशि के अंदर। तामसिक का मतलब समझिए प्योर मटेरियलिस्टिक या इनएक्टिवनेस, ये तामसिक गुण होते हैं। प्योर मटेरियलिस्टिक होना इज तामसिक होना। सर बट एक्वेरियस का सुना हुआ है। हाँ, क्या सुना हुआ मैडम? हेलो, हाँ जी सर, एक्वेरियस का नॉर्मली ये सुना है कि मतलब वो लोग दे आर फुल ऑफ नॉलेज, हवा में बात करते हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ ना। और हमेशा ये सुना हुआ है कि वो लोग नॉलेज से फुल होते हैं, एंड दैट इज व्हाई वो मटका जो है वो नॉलेज बांट रहे हैं। मतलब वो अभी धीरे धीरे आएगा ना, मैंने तो एक पिक्चर वैसे डिपिक्टेड है। मैंने इस राशि की करेक्टरिस्टिक बताई, मैंने सिर्फ वायु तत्व की करेक्टरिस्टिक बताई है, ये स्थिर स्वभाव की भी तो है, स्थिर स्वभाव धरातल पर लाने वाली भी तो है ये, ठीक है। तो अभी इसको सबको मिला, मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि वायु तत्व की कैसे हो सकती है। वायु तत्व का मतलब क्या है, हवा में बातें, हवा में सोच। वायु तत्व का मतलब है इंटेलेक्चुअल लेवल भी होता है, ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल लोग भी होते हैं, हो सकते हैं। तो ये अभी तो आपका प्रेडिक्शन मैंने कुछ बताया नहीं है, मैं तो आपको इनके थोड़े मतलब बता रहा हूँ। हवा का मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी अच्छा हो सकता है बंदा, इंटेलेक्चुअल का मतलब है एयर एलिमेंट का होना, ठीक है, और हवा में बातें करने वाला भी एयर तत्व वाला होगा। अब इनको फर्क क्या है वो आगे सीखेंगे, एक मैंने एग्जाम्पल बताया आपको। मैंने ये नहीं बोला कि कुंभ राशि वाले हवा में बातें करने वाले होते हैं, मैंने ये नहीं बोला, ठीक है। इस तरह से मीन राशि है, मीन में आपने देखेंगे दो मछली है, दोनों मछलियों का मुंह एक तरफ है, है ना, एक का मुंह इस तरफ है और दूसरे का मुंह इस तरफ है, तो इस तरह से राशि है ये। और ये पाइसिस साइन, ठीक। तो अभी ये राशि क्या है, मध्यम शरीर वाली ब्राह्मण वर्ण की है, इसका वर्ण क्या, ब्राह्मण है। द्वि स्वभाव राशि है, सौम्य प्रकृति की है, जल तत्व की राशि है ये। अब जल तत्व की करेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए, जल तत्व का मतलब होता है, जल का मतलब क्या है, पानी को जिस बर्तन में ढालो है ना वो शेप ले लेता है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो जल तत्व की राशि से जो लोग गवर्न होते हैं वो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, वो ज्यादा, वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल एलिमेंट है, ठीक है, जिस बर्तन में डालोगे वो शेप ले लेगा। तो इसका मतलब ये है, ये राशि वाले लोग हर माहौल में डल जाते हैं, यही तो मतलब हुआ पानी का। भाई हमें अभी पानी मैंने इसमें गिलास में डाला हुआ है, ये शेप है, तो इसका सो हो गया, अगर मैं इसको कप में डालता हूं तो कप की शेप ले लेता है पानी। तो वाटर एलिमेंट क्या है, सबसे एडजस्टेबल एलिमेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं किसी के बारे में भाई, या आप वाटर एलिमेंट से गवर्न करते हो क्योंकि इस राशि में आप पैदा हुए हो, तो आप एडजस्टेबल हो, आप एडजस्ट कर लेते हो चीजों को बहुत जल्दी से। सम राशि है, सम क्या मतलब, 12 है ना, 12 नंबर क्या होता है, सम है, इवन राशि है, स्त्री जाति की राशि है, मेल फीमेल के हिसाब से भी हम राशि को बांटते हैं। रंग क्या है, येलो रंग भी है, सात्विक स्वभाव है, देखिए स्वभाव क्या है, सात्विक है इसका,
उभय उदय का मतलब है दोनों तरफ से उठ सकती है। मछली आपने देखा ना, सर भी उठा सकती है और पीछे से भी उठ सकती है, ऐसे तड़पती रहती है, जब पूंछ भी अपना पीछे का हिस्सा भी ऊपर कर सकती है और आगे का हिस्सा भी ऊपर कर सकती है। और ये राशि क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है या रूल करती है, नॉर्थ डायरेक्शन। और इस राशि का जो स्वामी ग्रह है, यानी कि जो लॉर्ड है इस राशि का, दैट इज गुरु जुपिटर। और इसका जो रत्न होता है वो है पुखराज, यानी कि येल्लो सफायर। तो इस तरह से हम राशियों को, जो 12 की 12 राशि हैं, अगर इसको आपने पकड़ लिया, इनके करेक्टरिस्टिक, इनका नेचर, इनका बिहेवियर, इनकी प्रकृति, इनका वर्ण, तो आप किसी भी इंसान के बारे में 4 चीजें तो वैसे ही बोल सकते हो आज की क्लास के बाद ही, कि आप में वो उस इंसान के अंदर वो क्वालिटी होंगी होंगी। और ये DNA है, कभी चेंज नहीं हो सकता, थोड़ा मॉडिफाइड हो सकता है एज के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, लेकिन ये DNA है, ये कभी पूरा नहीं बदल सकते। हाँ जी, अब किसी ने कोई पूछना है तो प्लीज। यस, महक जी बताइए। अब जिसने पूछना है वो हैंड करेगा। सर जो हम डायरेक्शन चेक करते हैं, ये देखते हैं कि किसके लिए कौन सी डायरेक्शन सूटेबल है। तो मेरे लग्न में जैसे 8वीं राशि है, हाँ, 8 नंबर की, 8 नंबर, तो 8 नंबर स्कॉर्पियो साइन है, ठीक है। स्कॉर्पियो साइन जो है नॉर्थ डायरेक्शन को रूल करती है। 4, 8, 12 राशि है जो है, कर्क राशि, स्कॉर्पियो साइन एंड पाइसिस साइन, ये तीनों राशियां नॉर्थ दिशा को रूल करती हैं, और ब्राह्मण वर्ग की राशियां, ये वर्ण की राशियां। ठीक है, तो आपके लिए नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी है। तो ये सर क्या कहते हैं, ये लगन से ही पता चल जाएगा ना, लगन में जो राशि, लगन से पता लग जाएगा, लेकिन लगन तो ओवरऑल है चीज है, लेकिन आपके लिए कर्मों के हिसाब से कौन सी राशि है वो अलग बदल सकती है, कि आपके कर्म के लिए, प्रोफेशन के लिए कौन सी राशि है वो आपको अलग D10 चार्ट देखेंगे, वर्गा चार्ट, तो छोड़ दो उसमें, इससे नहीं पता चलेगा, कुछ से नहीं पता लगेगा, लेकिन फिर भी आपके लिए ये राशि, हाँ जी, एक एक करके, मतलब ये ओवरऑल मेरे लिए नॉर्थ डायरेक्शन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं नाम बोलूंगा प्लीज जी, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, देखो सबको एंटरटेन करना है। मैं जी हो गया, अब ऋषभ, मैं नाम लूंगा तब आप बोलेंगे, अपने आप को अनम्यूट करो। राशि राशि है और उसमें कोई प्लैनेट बैठा लगन का, हाँ, तो वो लगन के प्लैनेट के अकॉर्डिंग काम करेगा या राशि के अकॉर्डिंग? नहीं नहीं, राशि तो उसका DNA है, प्लैनेट उसके थोड़ा सा बिहेवियर को चेंज करेगा। मान लीजिए कोई सौम्य राशि आपके लगन में आ गई, सौम्य राशि कौन कौन सी होती है, जैसे 6 नंबर की राशि मैंने बताया ना, सौम्य स्वभाव वाली है, फोर मान लो, और उसके अंदर सूर्य आके बैठ गया, अब राशि की, राशि की अपनी करेक्टरिस्टिक है, राशि का आपका बिहेवियर है, DNA है, वो बदल नहीं सकता, लेकिन सूर्य ने वहां पर आकर थोड़ा सा आपको चेंज कर दिया, हल्का सा चेंज कर दिया, बस ये मतलब है। अब सूर्य की क्या करेक्टरिस्टिक है वो पढ़ेंगे, कि प्लैनेट क्या क्या चीज देता है, सूर्य की क्या एबिलिटी है, क्या खासियत है सूर्य के पास, तो वो भी आपके पास आएगी। परसेंटेज वाइज किसका ज्यादा होता है प्लैनेट? राशि का तो रहेगा सर, राशि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, राशि सबसे ज्यादा रिजल्ट आते हैं राशि के, वो फिक्स है। प्लैनेट क्या है, प्लैनेट तो उसमें 4 टाइमिंग आया उस राशि के अंदर, निकल जाएगा उस राशि से, लेकिन आपके लिए बैठ गया वो, बस ये मतलब है, ठीक है। हाँ, थोड़ा चेंज हो जाता है इंसान थोड़ा सा, लेकिन वो बेसिक नेचर, बेसिक करेक्टरिस्टिक, बेसिक स्वभाव जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल नहीं बदलेगा, उसमें थोड़ा एड ऑन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बस ये मतलब प्लैनेट के हिसाब से। गुनीता जी, हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुनीता, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, मुझे खाली जानना, ये जो आप हिंदी में सब लिख कर दे रहे हो, हमको जिनको इंग्लिश में इजी पड़ता है और हिंदी में थोड़ी तकलीफ होती है, डू वी हैव एनी इंग्लिश? नहीं, वो भी मिल जाएगा मैडम, लिटरेचर थोड़ा है, मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स में बनाया है इस तरह से, ये मैं दे दूंगा आपको जिसको इंग्लिश में चाहिए ना, तो इसलिए क्योंकि आगे कुछ स्लाइड ऐसी हैं जो इंग्लिश में है बिल्कुल मेरे पास, तो मैंने कोई शब्द ऐसे है ना जो हमसे, हमें इजीली आप समझा रहे हो तो समझ में आ गया, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, अगर किसी को प्योर इंग्लिश में मटेरियल चाहिए तो मैं वो भी पकड़ा दूंगा, है ना। थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे तो दोनों हिसाब से देखना पड़ता है ना मैडम। ओके, एंड आगे है मानसी शाह एंड वनीता। सर मानसी है, सर मुझे ये डाउट था कि जैसे कि आपने बोला था कि अगर इंसान बाहर से कैसा है वो उसकी लग्न कुंडली में, जो लग्न में राशि होती है वो बताता है, लेकिन जो उसका मून साइन है हाँ,
वो अंदर से कैसा है वो पर्सनालिटी बताता है, ठीक है। तो अगर इसमें जो स्टोन्स लिखे हैं कि ये पुखरा जिसके लिए है, तो उसके लिए हमें कौन सा देखना होता है, मतलब अभी जब भी स्टोन, अभी हम बताता हूँ, ये तो सिर्फ बताया गया है कि इस प्लैनेट का ये लॉर्ड वो है स्टोन है, मतलब तो ये नहीं कि वो राशि वाले उसको पहने, हमने ये नहीं बोला, ये तो बता दिया गया है कि भाई जुपिटर का ये वाला स्टोन है, मंगल का ये स्टोन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पहनना है आपने। अभी तो जब स्टोन की बात करें तो बताऊंगा जब रेमेडी पर्पज से जाएंगे, अब हर किसी को स्टोन की जरूरत नहीं होती, जब मैं रेमेडी आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि किस स्टोन को पहनना चाहिए किसको नहीं पहनना। और जो हम स्वामी देखते हैं कि इस राशि का ये स्वामी, तो वो स्वामी हम किसका देखते हैं, मतलब अगर जैसे कि सबका देखेंगे, मतलब पहले घर का बात करनी है, पहले घर के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस देख रहे हैं तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी देखेंगे, जब सेकंड घर की बात करेंगे, सेकंड हाउस की बात करेंगे तो सेकंड हाउस लॉर्ड को भी बात देखेंगे, तो जिस घर पे हमें देखना है उस घर के स्वामी को भी देखेंगे बाद में। अच्छा, हाँ जी, ओके। क्या रमेश, सॉरी पहले विनीता फिर रमेश जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मुझे एक जनरल क्वेश्चन था। हाँ जी। अभी मेरा नाम मतलब चंद्र राशि के हिसाब से मीन आता है। हाँ जी। दीपा नाम था मेरा। हाँ जी। और 27 ईयर से हम लोग की शादी में चेंज होता है, तो 27 ईयर से मेरा नाम विनीता है। हाँ। और डेट के हिसाब से मेरी लियो है। हाँ। अगस्त में बॉर्न हूँ। हाँ। तो मेरे पे कौन सा इफेक्ट होएगा? सारे आएंगे मैडम, नंबर्स की अपनी क्वालिटी है, हर वक्त आपको पता नहीं ना कितनी साइंस कितने फोर्स से आप गवर्न हो रहे हो, आपको खुद नहीं पता कि आप नंबर से भी गवर्न हो रहे हो, डेट ऑफ बर्थ भी आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, प्लैनेट भी आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो आपका अपना कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ लीजिएगा, आप अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये नंबर ये प्लैनेट ही आपको करवाते हैं जो करवाते हैं। राशि कौन सी देखो, विनीता के हिसाब से देखो कि पाइसेस जूनी बर्थ के हिसाब से देखो? नहीं, आप बर्थ के हिसाब से देखेंगे, नाम के हिसाब से ना उसका इम्पैक्ट ठीक है वो भी आता है, हर चीज की वैल्यू अलग है, लेकिन जो मेनली आपके करेक्टरिस्टिक होती है या हम जो राशि देखते हैं वो दो ही राशि पे मेन फोकस करते हैं, एक तो आपकी लगन राशि जिस लगन में आप पैदा हुए हो, एक है चंद्रमा राशि, मून राशि, दो राशि होती है, उसमें फोकस करते हैं। नाम राशि को छोड़ दें अभी आप, थैंक यू। नाम राशि की जरूरत कहाँ पड़ेगी वो बताएंगे फिर आपको, वो वास्तव में जरूरत पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। एंड आप रमेश जी, जिनका क्वेश्चन हो गया प्लीज, जैसे महक है, विनीता, शालिनी, सब प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, पहले सबके क्वेश्चन हो जाने दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। यस सर, रमेश जी। सर हमने अभी राशि सबके बारे में पढ़ा सर, और राशि में तो जैसे लगन में एक नंबर लिखा हुआ रहता है सर, वो तो हमारा लगन होता है ना? हाँ, वो लगन राशि हमारी। जो राशि हमने पढ़ा वो यूजुअली हम मीन करते हैं कि हमारा मून साइन जो होता है, चंद्रमा जहाँ बैठा उसी को हम राशि। हाँ जी, बिल्कुल, उसे भी राशि। फर्क ये है दोनों के अंदर कि लगन आपका फिजिकल अपीयरेंस दिखाता है, आपकी आपकी चाल ढाल, आपका बिहेवियर, ठीक है, आपका आपकी फिजिकल अपीयरेंस दिखाता है लगन। ओके, मतलब आपके जो भी काम करेंगे ना फिजिकल लेवल पर जो दिखेगा लोगों को वो आता है लगन से, और एक होता है मेंटल सोच जो दिमाग में रहती है हमेशा, वो आता है मून से, वो आता है मून से, मून इज माइंड। दोनों को कंसीडर करना पड़ता है सर, दोनों को कंसीडर करना पड़ता है, लेकिन जो सामने दिख रहा है वो हमेशा लगन दिखता है, जब आपका मून साइन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपके लगन को ओवरकम कर ले तब हम आपको मून साइन देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये समझो हमारे पास दो साइन होते हैं, एक मून साइन है, एक लगन साइन है, बस। अदरवाइज हम लोग बेसिकली लगन के ऊपर में ही बेसिकली लगन के ऊपर फोकस किया जाता है, बेसिकली लगन के ऊपर फोकस किया जाता है, पर ट्रेडिशनली हमें सब राशि मून साइन के ऊपर ही सब कुछ बोलते थे। वो बताता हूँ, उसका मतलब अलग है ना, कि मून को बड़ा इम्पोर्टेंट प्लैनेट बोला गया क्योंकि आपकी दशाएं वहां से स्टार्ट होती हैं, वो सारे योग चंद्रमा से बनते हैं, तो चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है आपकी कुंडली के अंदर, ये मतलब। सर और एक डाउट है। हाँ। सर हमने भी वर्गो वर्गो में देखा कन्या राशि में। हाँ। हमने बताया कि वो साउथ डायरेक्शन में बलवान होता है। हाँ। और हमने वास्तु में पढ़ा था कि मर्कुरी जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन का लॉर्ड होता है। हाँ, तो ठीक है, साउथ। तो यहाँ पर राशि की बात की जा रही है, स्वामी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर राशि की बात की जा रही है। अच्छा, राशि 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 रूल करती है वहां नॉर्थ में, सॉरी साउथ में, और लॉर्ड रूल कर रहा है उसमें नॉर्थ में, इसमें क्या दिक्कत आगी? ओके सर, हम लॉसु ग्रिड जब पढ़ते हैं तो उसमें नॉर्थ डायरेक्शन को वन रिप्रेजेंट करता है, वो होता है सन। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो तो इसमें कुछ मतलब यूनिवर्सल, जब न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे तब बता देंगे आपको, बता देंगे उसमें थोड़ा सा।
अभी ज्योतिष को ज्योतिष तक रहने दो, ठीक है, इतना सारा मिक्स करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। चलो थैंक यू सर। ओके जी, विपुल मिश्रा एंड उषा राय। नमस्कार सर। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि जो नॉर्थ इंडियन चार्ट बनता है सर, हाँ, उसमें जैसे लग्न जो है वो ईस्ट को दिखाती है। हाँ बिल्कुल। फिर फर्स्ट हाउस नॉर्थ ईस्ट दिखाता है। हाँ। सेकंड हाउस भी नॉर्थ ईस्ट दिखाता है। हाँ। अभी लेकिन जब साउथ इंडियन चार्ट में देखते हैं उसको, हाँ, तो बीच के दो घर वो ईस्ट दिखाते हैं। नहीं वो तो देखो एक तरीका है दिखाने का, वो घर कहीं भी दिखा लो, इसका मतलब ये है वो एक तरीका है लिखने का, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक लिखने का तरीका है उनका कि वो हाउस ऐसे बनाते हैं हम उसको स्क्वायर करके। मेरे पूछने का मतलब सर ये है कि जैसे वहां तो कॉर्नर से जो है वो मीन राशि स्टार्ट होती है। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद मेष, उसके बाद वृषभ आती है लाइक। हाँ। तो जो मेष और वृषभ है उसके सामने जो है ईस्ट ईस्ट लिखा होता है। हाँ है ना सर। हाँ ठीक है, अभी छोड़ दो उसको, मतलब अभी मैंने सिर्फ ये बताया था आपको, वहां मेरा मकसद सिर्फ नॉर्थ और साउथ का पैटर्न दिखाने का था कि कुंडली ऐसे बनती है, बाकी तो मैंने अभी तो ये भी बताया हमारी कुंडली कैसे बनती है, तो आपने बताया कि ईस्ट डायरेक्शन में और जो लगन है ईस्ट को दिखाता है, मैंने तो ये भी नहीं बताया अभी आपको, वो सिर्फ मैं ये बता रहा था कि बनाने का तरीका उसमें ऐसे बनाते हैं इसमें ऐसे बनाते हैं, बस अभी इतना ही बताया मैंने। ठीक, वो अलग बात है कि लगन में जो राशि बनती है वो ही नंबर क्यों आता है, इसका मतलब ये भी है, मैं बता देता हूँ आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, म्यूट करें, उषा राय जी आपकी तरफ से आवाज आ रही है, म्यूट करके रखें, जब नाम लिया जाएगा तो आप ओपन कर लो अपना। लगन के अंदर जब हम जैसे मान ले कोई अभी बच्चा पैदा हुआ तो अब उसका एक लगन बनेगा है ना, उसका एक लगन बनेगा अभी, अब उसका लगन कौन सा राशि होगी, अब जब मैंने आपको अभी थ्री डायमेंशनल में वो एक पिक्चर दिखाई थी कि एक बेल्ट है 360 डिग्री की जी सर, और हमारा वो स्टेबल है, वो 360 की बेल्ट है, वहां जो खाने हैं वो स्टेबल है, राशियां स्टेबल हैं, लेकिन हमारी अर्थ क्या हो रही है बीच में, हर वक्त घूम रही है जी सर, लेकिन जो वो है वो फिक्स है खाने जी सर, तो हमारा क्या हो रहा है ईस्ट हर वक्त बदल रहा है, हमारा तो ईस्ट हर वक्त बदल रहा है ना। नहीं नहीं मेरा डाउट सर ये नहीं है। नहीं नहीं आपका नहीं है, लेकिन मैं तो वैसे बता रहा हूँ बाकी लोगों के लिए, आपको मेरा डाउट ये वाला है, जो नॉर्थ ईस्ट दो बार आता है और वहाँ ईस्ट दो बार आता है, कोई बात नहीं, अभी तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, मैं तो सबके लिए बता रहा हूँ कि आपको पता है भाई लगन कैसे बनता है, मैं और लोगों को बता रहा हूँ कि लगन का निर्माण कैसे होता है। राइट सर। तो इस वक्त में मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका लगन में कौन सी राशि आती है ये कैसे डिसाइड होता है, ये तो मैथमेटिकल तो अलग है, मैं आपको फिजिकल बता रहा हूँ कि कैसे डिसाइड करते हैं। अब हमारे क्या अर्थ हर वक्त घूम रही है, तो इसका मतलब क्या है, मान लिया अगर मैं पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा जाऊं तो भैया अर्थ हर वक्त घूम रही है, तो अभी मुझे पता लगे खाना नजर आ रहा था, दो घंटे बाद क्या है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों चक्कर क्या है एक 24 घंटे में लगा लेती है, तो 360 जो डिग्री पृथ्वी घूमती है वो क्या है 24 घंटे में कवर करती है, ठीक है, और 12 खाने बनाए हमने, तो मोटा मोटा एक खाने में हमारी नजर कितनी टाइम रहेगी, 12 × 24 लगभग 2 घंटे, तो जब मैं अगर एक ही तरफ पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हूं मैं अर्थ के ऊपर यहां पर, और मैं दूरबीन से देख रहा हूं कंटिन्यूस देखे जा रहा हूं, तो 2 घंटे बाद मुझे जो राशि नजर आई थी अगले 2 घंटे बाद, क्योंकि अर्थ तो घूम गई ना, अब मुझे उससे अगली वाली राशि नजर आएगी 2 घंटे बाद, फिर मैं 2 घंटे बाद देखता हूं उस दूरबीन से, फिक्स की हुई दूरबीन मैंने उसी एरिया पे, लेकिन मेरी अर्थ तो मुंह कर रही है ना हर वक्त, और वो जो स्पेस है वो फिक्स है, तो मुझे हर 2 घंटे में एक अलग अलग राशि, एक ही जगह देखने पर हर 2 घंटे में अलग अलग राशि नजर आएगी, तो जिस वक्त जो बच्चा पैदा होता है उस वक्त पूर्व दिशा के अंदर जो राशि पृथ्वी से दिख रही होती है, ठीक है, वो राशि लगन राशि बन जाती है, सिर्फ इतनी बात नोट कर लो, इसका मैथमेटिकल क्या है वो सीखेंगे बाद में, लेकिन जब जो बच्चा पैदा होता है उस वक्त पूर्व दिशा में दूरबीन से देखो आकाश में कौन सी राशि नजर आती है, ठीक, वो राशि आपकी लगन राशि बन जाती है, अब एक बार लगन राशि डिसाइड होगी तो जैसे 9 नंबर की तो अगला 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर टोटल 12 राशि है, उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चले जाते हैं राशि, ठीक है, और जो प्लैनेट है जो हमेशा जो ग्रह हैं वो राशि के अंदर ट्रेवल करते हैं, नोट, भाव के अंदर नहीं, राशि के अंदर, जोडियक साइन के अंदर प्लैनेट ट्रेवल करते हैं, तो जिस भाव के अंदर
जो राशि प्लेस्ड है उस राशि के ऊपर जो प्लैनेट ट्रेवल कर रहा है उस वहां पर उसको रख देंगे, लिख देंगे, तो इस तरह से कुंडली बन जाती है। इसके मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो आपको बाद में सिखाया जाएगा, ठीक है, बड़ी लंबी कैलकुलेशन है मैथमेटिकल कि कैसे प्लैनेट को प्लेस करेंगे, है ना, सबकी चाल क्या है, कितने डिग्री पर आता है प्लैनेट, तो वो सब आपको बाद में बताया जाएगा। यस उषा राय जी, उसके बाद प्रियांशी वर्मा, पहले उषा राय। नमस्कार सर। हाँ जी सर, इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में अलग अलग समय पे पैदा होने वाले बच्चों की अलग अलग राशियां होंगी। बिल्कुल, हर दो घंटे में, मान ले अभी चार से छह तक, मान ले धनु लगन था, सेजिटेरियस साइन था आकाश में, तो चार से छह तक सेजिटेरियस जितने बच्चे पैदा होंगे इस बीच में, उनका सबका जो लगन बनेगा सेजिटेरियस बनेगा। तो मतलब जो ये छह से आठ में जो बच्चे पैदा होंगे, ये मोटा मोटा मैंने दो घंटे बताया है, लेकिन हर राशि दो घंटे की नहीं होती, कुछ कम की होती है, कुछ दो घंटे ज्यादा की होती है, मोटा मोटा मैंने बताया। तो इस तरह से राशि बनती है, तो 24 घंटे के अंदर सारी राशियां आ जाती हैं, 24 घंटे के अंदर सारी राशियां आ जाती हैं, ठीक है। तो सर ये जो अपना एक महीने का निकाल देते हैं कि इतने मार्च से इतने अप्रैल तक ये राशि है सन के हिसाब से, तो मतलब उसका कोई मतलब नहीं बना? नहीं, उसका मतलब ये है मैडम, वो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो सन साइन से लेते हैं आपका, कि सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है, दैट इज सन साइन, नॉट मून साइन। ओके, वो सूर्य को पकड़ते हैं, आपको पता है सूर्य आज जिस राशि में है, जितने डिग्री पर है अभी, अगले साल आज ही के दिन, आज ही के समय एग्जैक्ट सूर्य उसी राशि में उसी डिग्री पर दोबारा आ जाएगा। ओके ओके, सूर्य क्या करता है, एक राशि में एक पूरा एग्जैक्ट 30 दिन रहता है जी, इसलिए उनके फिक्स हैं, साइन सन साइन ना फिक्स हैं, लेकिन हमारे फिक्स नहीं जी। तो सर जैसे जो है, जब हमारा जन्म हुआ जिस राशि में चंद्रमा रहा, वो हमारी लग्न राशि बनेगी? नहीं, वो हमारे मून साइन, दैट इज मून साइन, दैट इज अवर मून साइन। अच्छा, और जो लगन बना, लगन कैसे बना, दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत फर्क है मैडम, आप आगे समझेंगे, जब आप आगे आएंगे तब समझेंगे, अभी अभी मतलब समझो उसको। अच्छा सर, और सर एक चीज और पूछना था कि जो हम लोगों का हॉरोस्कोप बनता है, हाँ जी, उसमें जैसे प्लैनेट तो हमारे 9 ही हैं और घर 12 बने, हाँ जी, राशियां हमारी 12 हैं, हाँ ठीक है। अच्छा, प्लैनेट चूंकि चलायमान है तो हाँ, वो कभी किसी घर में होते हैं, कभी किसी घर में होते हैं, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। तो जो घर खाली है जिसमें जन्म के समय कोई मतलब प्लैनेट नहीं है, तो वो घर हमें कोई प्रभाव नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, अब ये तो है, कोई ना कोई घर खाली होगा ही होगा जी। और हाल तो एक नहीं, कई सारे घर खाली होंगे जी, कई खाली होते हैं, ऐसा हो सकता है कि एक राशि में चार प्लैनेट बैठे हैं, जैसे मेरी कुंडली है, जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम में कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर 5 प्लैनेट थे, ठीक है, तो मेरे एक राशि के अंदर 5 प्लैनेट आ गए, बाकी मेरे सारे भाव खाली, तो उनके मतलब है आगे सीखेंगे। तो ये आपने बहुत अच्छा पकड़ा कि भाव फिक्स है, भाव के अंदर राशियां होती हैं और राशियों के अंदर प्लैनेट ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो बस इतना याद रखो अभी कि भाव फिक्स, 12 भाव 12 राशि, तो हर भाव के अंदर एक राशि आएगी जी। और जो प्लैनेट जिस राशि में ट्रैवल कर रहा था जब आप पैदा हुए, तो वो राशि आपकी कुंडली के जिस भाव में होगी उसी भाव के अंदर हम उस प्लैनेट को प्लेस कर देंगे। इतना याद रखो। सर, अभी आपने जो बताया कि ईस्ट साइन, ईस्ट डायरेक्शन में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो टेलीस्कोप में जो साइन दिखता है वो उसका राशि होता है, तो लगन राशि बन जाती है, लगन राशि, मतलब मून साइन या लगन साइन? सर लगन साइन, लगन साइन सर, लगन साइन सर, लगन साइन अगर वो होता है तो दिन में तो 12 अलग अलग 12 अलग लगन होंगे। हाँ बिल्कुल, 12 लगन होते हैं। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो एक महीना में एक लगन फिक्स होता है सर? किसमें? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के स्टाइल में उनका तो एक महीना में एक लगन फिक्स होता है। वो किससे देख रहे हैं? वो सूर्य से देख रहे हैं ना, सूर्य तो एक महीना एक राशि में रहेगा। ओके, हाँ, सूर्य एक महीने पूरे एग्जैक्ट 30 दिन एक ही राशि में रहता है, जैसे आपने मकर संक्रांति मनाई थी ना अभी पीछे 14 जनवरी को, तो मकर संक्रांति का मतलब है उस दिन सूर्य जो महाराज है, सूर्य जो ग्रह है, वो मकर राशि में प्रवेश किया था, कैप्रिकॉर्न साइन में आए थे उस दिन वो। अच्छा, तो 14 से लेकर 14 फरवरी तक वो किस में रहेंगे? कैप्रिकॉर्न में रहेंगे। अच्छा,
फिर 14 फरवरी से 14 मार्च तक किसमें रहेंगे, एक्वेरियस साइन में रहेंगे, इस तरह पाइसी साइन फिर एरी साइन इस तरह से ट्रैवल करते हैं, तो वो इस तरह से उनकी बनती है सन कुंडली, सूर्य कुंडली बनती है। तो हम जो ईस्ट साइन में ईस्ट तरफ में टेलीस्कोप से जो देखने वाला कॉन्सेप्ट आपने बताया वो दो दो घंटा में चेंज होता है, तो वो क्या एक्चुअल क्या चेंज होता है सर? नहीं लगन चेंज हो जाता है ना, लगन चेंज हो जाता है तो आपका आपका नहीं चेंज होगा, आप तो जब पैदा हो गए तो हो गए, उस तरह फोटो खिंच गई आपकी, उसकी कुंडली की फोटो खिंच गई, अब आपके लिए फिक्स हो गया वो, जब आप पैदा हुए तो जो भी सिचुएशन आकाश में थी उसकी फोटो खिंच गई। तो लगन विथ रेस्पेक्ट टू सन चेंज होता है या विथ रेस्पेक्ट टू मून चेंज होता है सर? नहीं सर, लगन आप तीन चीजों को मिक्स कर रहे हो, लगन का मतलब अलग है, लगन का मतलब सन और मून से बिल्कुल नहीं है। सन और मून तो क्या है, जब एक लगन डिसाइड हो गया, मैंने क्या बताया प्लैनेट राशियों में ट्रैवल करते हैं, लगन अपने आप में सूर्य चंद्रमा का नहीं हो सकता, लगन होगा राशि का, अब उस वक्त राशि के अंदर सूर्य चंद्रमा बैठे हैं तो बात अलग है। अच्छा अच्छा, लगन का राशि चंद्रमा सूर्य चंद्रमा से कोई मतलब नहीं है, वही कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक, कोई बात नहीं, आप मिक्स ना करो, जितना सिखा रहा हूँ जितना समझा रहा हूँ उतना समझते चले जाओ, सिर्फ तीन चार क्लास थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, और ऑनलाइन पढ़ाना समझो, और एक ऐसे सब्जेक्ट को जो हवा के अंदर है, मैं दिखा नहीं पा रहा कुछ, उसको समझाना एक मतलब हमारे लिए भी चैलेंज है, तो अभी थोड़ा सा समझते रहो, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा डेफिनेटली आपको चीज समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, और एक बार समझ में आ गई फिर आप लैब पकड़ लेते हो। बोला था ज्योतिष के अंदर पेशेंस रखो बस थोड़ा सा, मैं नाम लूंगा, आपने हैंड रेज नहीं किया, प्लीज हैंड रेज करें, पुराने लोग बचे हुए अभी, ऐसे नहीं मैडम, सिस्टम में यहाँ से हैंड रेज करो, सिस्टम के अंदर रितु धवन जी पूछे और नम्रता जी, रितु धवन एंड नम्रता। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी सर, बस एक ये थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स थोड़ा क्वेश्चन है, लाइक इट इज इन कोर्स बट प्रेडिक्शन पार्ट नहीं है, बट जैसे एक राशि, जैसे फर्स्ट हाउस का मेष राशि हुई, राइट, है ना, एरीज का फर्स्ट हाउस हुआ, अब फर्स्ट हाउस में तो जैसे इट इज जो भी वो कह रहे थे कि चल्यमान है, तो कोई भी राशि बैठ सकती है, 5-6 नंबर कोई भी बैठ गया, ठीक है, है ना, तो हम जब लगन देखते हैं उससे नेचर देखते हैं, हाँ, तो फिर उसपे मेष का भी जो मेष राशि जो मंगल का भी इम्पैक्ट आएगा, नहीं, जो राशि वहां पर होगी हाँ उसका ही आएगा, सिर्फ उसका ही आएगा ना, और या जो कोई और प्लैनेट बैठा हो, जैसे सन बैठा हो या मून बैठा हो, उसकी नेचर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा वो। अच्छा ठीक है, उसकी नेचर को मतलब उसका मेष राशि से कुछ लेना देना, मतलब मंगल से कुछ लेना देना नहीं है, नहीं मंगल से कुछ लेना देना नहीं है उसका, ठीक है मंगल कहीं भी बैठा हो कुंडली के अंदर, राशि, ओके, राशि का ही मेनली देना, राशि का मेन रोल है, ठीक, थैंक यू सर। नम्रता जी, नम्रता एंड मीनू अग्रवाल। हेलो, यस नम्रता जी, सर मेरा क्वेश्चन ये था, व्हाट इफ द असेंडेंट लॉर्ड इज एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेटेड इन द साइन? मैडम मैं आते पहुंचे नहीं अभी तक, एग्जॉल्टेशन क्या होता है, डेबिलिटेशन क्या होती है, मेरा मैं इसलिए पूछ रही थी ये चीज क्योंकि हम जैसे असेंडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, असेंडेंट एक नेचर है, नेचर जो है वो अपने लोड से भी तो चेंज नहीं करती है, नहीं, अब आपको ये भी नहीं पता, बहुत सारे ज्योतिष लोग पढ़ लेते हैं, उनको ये नहीं पता भाव से क्या चीज देखते हैं, लॉर्ड से क्या चीज देखते हैं, और आगे कारक पढ़ेंगे उससे क्या चीज देखते हैं। ओके, किसी भी देखिए ये जो 12 खाने है ना, 12 खाने में सारा जीवन है आपका, आपके जीवन में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती जो इन भाव से अलग हो, आपके जीवन में जितनी घटनाएं घटेंगी, हजारों घटनाएं घटी हैं, आपके कई सौ रिलेशनशिप हो सकती है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई हस्बैंड है, कोई बच्चा है ना, हजारों तरह की आपके रिश्ते हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, हजारों तरह की बीमारी दुनिया में है, तो हर बीमारी, हर ऑर्गन, हर रिश्ते, हर आपकी लाइफ का एक एक इवेंट इन्हीं 12 भाव से होगी, ठीक। अब भाव से क्या देखेंगे, उन भाव में जो राशि बैठी है उसके लॉर्ड क्या करेंगे, और ऐसे हर भाव का एक फिक्स कारक होता है प्लैनेट, वो क्या करेगा, ये समझ में आ गया ना मैडम, तो ज्योतिष समझ में आ जाएगा। तो एग्जॉल्टेशन और डेवलेशन फिर भी मैं आपको बताया था क्यूरियोसिटी के लिए, देखिए प्लैनेट की एक स्ट्रेंथ होती है, एक पोजीशन होती है, एग्जॉल्टेशन का मतलब है उच्च का होना, एक पदवी मिली है उसको,
और डेब्लिशन मतलब है नीच का होना, मतलब समाज में उसको बड़ा नीचा है वो, या उसमें पावर कम है, ये मान सकते हो पावर कम है, पावरलेस है। इसका मतलब है एग्जॉल्टेड होना, प्लैनेट पावरफुल है और उसको एक पदवी, उच्च का मतलब एक स्टेटस मिला हुआ है, ये मतलब है। Okay. करेंगे वो, हमने अभी किया नहीं है, अभी तो हम एग्जॉल्टेशन उस तक आए नहीं, पहले मैं राशि भाव को समझ ले पहले। यस, मैं भाव भी थोड़ा कराने की सोच रहा हूँ और करा के जाऊंगा। यस प्लीज, थोड़े क्वेश्चन शॉर्ट में रखो, अभी तो क्वेश्चन वाले कोई बात भी नहीं की हमने। श्वेता जी बताओ, आज मीनू जी पहले, फिर श्वेता जी। गुड इवनिंग सर। सर लास्ट क्लास में आपने बोला था कोई भी पत्री जो होती है वो सेम नहीं होती है, पर अभी आपने कहा कि 2 घंटे एक ही उसमें रहता है, तो सेम डे में बहुत सारे बच्चे और सेम टाइम में भी होते हैं, तो उनकी तो पत्री ऑलमोस्ट सेम ही होगी ना फिर। वैसे तो मैडम ये अब ये देखेंगे आप, तो अब 2 घंटे में तो हजारों बच्चे, लाखों करोड़ों बच्चे पैदा हो गए। राइट, यही तो मैं पूछ रही हूँ सर, लगन तो फिर सेम होगा। अरे बड़ा सुन करो, लगन ही तो सेम है, उनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी तो बदलेगा ना, उसके हिसाब से कुंडली बदल जाती है। सर सेम हॉस्पिटल में भी तो होते हैं, हॉस्पिटल में हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मान ले एक ही टाइम पे पैदा नहीं हो सकते। अब ये बता दूं मैं आपको, एक टाइम पे पैदा नहीं होंगे, उनके वर्गा चार्ट बदल जाएंगे, कुछ मिनटों का फर्क आ गया तो 2 घंटे तो बहुत होते हैं, 120 मिनट, 120 मिनट मैडम। लगन सेम रहेगा बट बाकी चीजें चेंज हो ना, अभी आपको तो लगन तो कुछ भी नहीं है, आगे तो वर्गा चार्ट पढ़ेंगे तब पता लगेगा आपको। चंद्रमा की मूवमेंट है, चंद्रमा की डिग्री बदलती है, हर वक्त बदलती रहती है, ठीक है। तो चंद्रमा डिसाइड करता है कि आपकी जीवन में कब क्या इवेंट होगा, चंद्रमा डिसाइड करता है। तो जो 2 घंटे है ना, उसमें चंद्रमा बहुत सारा बदल जाएगा, जो कि आपकी दशाएं निर्धारित करता है कि कब आपको क्या मिलेगा। आपके कुंडली के योग बदल सकते हैं, ठीक है, मतलब लगन सेम होते हुए भी। हाँ, लगन सेम होते हुए बहुत चीजें बदल जाती है मैडम, अभी आगे सीखेंगे आप कैसे बदलती है। अगर ऐसा होता ना तो मजा ही ना आया था मैडम, पढ़ने की जरूरत नहीं थी, 12 लग्नों को पढ़ लो, ठीक है, बस उसी हिसाब से बोलते रहो, ऐसा नहीं है, तो हर वक्त चीजों को बदल रहा है। जुड़वा जो बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे, वो तो एक ही माह से पैदा हुए हैं, एक ही लगभग 2-4-5 पैदा हुए हैं। मेरा क्वेश्चन उसी को रिलेटेड था, मुझे जुड़वा बच्चे हैं। आपने देखा है उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम, उनकी नेचर सेम, उनका एजुकेशन सेम, उनका बिजनेस सेम, देखा है क्या कभी, सारे अलग हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो 5-7 मिनट या 10 मिनट का फर्क आया है, तो उस वजह से उनका D24 चार्ट बदल गया है, D20 चार्ट बदल गया है, D60 चार्ट बदल गया है, तो इस वजह से नेचर, बिहेवियर, एजुकेशन, प्रोफेशन सब कुछ अलग हो सकता है उनका। और लास्ट जो हम कर्मा करके आए हैं, कर्मा तो दोनों बच्चों की अलग अलग है ना, तो कुंडली सब कुछ नहीं है, कुंडली से ऊपर की भी कुछ चीजें हो सकती है, जहां पर कर्मा थ्योरी काम करती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें काम करती है। इसलिए ज्योतिष समुंदर है, समुंदर, और ऐसा समुंदर जिसको कोई जान नहीं पाया कंप्लीट। यस श्वेता जी, फिर उत्तम। सर एक जनरल क्वेश्चन पूछना था सर, जैसे किसी पर्सन का सिर्फ उसका बर्थडे है, हाँ, तो सर उसका जो वो चार्ट और उसका जो एक्चुअल चार्ट है सर, वो चेंज हो जाएगा काफी? नहीं, अब क्या पूछना चाह रहे हैं सर, डेट ऑफ बर्थ है तो जब तक कुंडली तब तक नहीं बनेगी, जब तक आपका टाइम, डेट, टाइम और प्लेस तीनों एक्यूरेट नहीं होगा, हाँ, तो उसकी कुंडली एक्यूरेट नहीं बन सकती, नहीं बनेगी ना सर। कुंडली करने के लिए, कुंडली बनाने के लिए 3 चीज की जरूरत है आपको, बर्थ डेट पूरी एक्यूरेट होनी चाहिए, बर्थ टाइम एक्यूरेट होना चाहिए, और बर्थ प्लेस एक्यूरेट होना चाहिए। दैट मींस वो जो बनता है चार्ट, इट्स ऑफ नो यूज, सब कुछ नहीं है उसका तो। ये 3 चीजों से बनता है वो चार्ट, जो आपको चार्ट दिखाया था मैंने कभी। और सर किसी का ना प्लेस जो है अपन श्योर नहीं है, लेकिन उसका जो है कंट्री श्योर है, तो सर उसमें क्या होगा? उससे क्या होगा ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बदल जाता है, आप समझिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बदलता है ना मैडम। आप देखिए मतलब अगर वहाँ नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो सुबह सूर्य 4 बजे निकल जाएगा वहां, है ना। अब और इधर की बात करेंगे, अपने दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ सूर्य 6 बजे निकला है, तो 2 घंटे का फर्क आ गया ना। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से फर्क पड़ता है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, तो उससे डेस्टिनी, आप उससे कुंडली बदल जाती है। अगर थोड़ा बहुत फर्क है, मान ले दिल्ली और गाजियाबाद, तो वहां को लैटिट्यूड ज्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ गया तो चेंज हो जाती है। सर इसमें हमें मिनट्स का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्या? मिनट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैडम, जितना एक्यूरेट टाइम होगा उतनी ही एक्यूरेसी वाली कुंडली आगे बनती चली जाएगी। अभी आपको मैंने दिखाया एक लगन चार्ट, ऐसे 16 चार्ट बनते हैं, 16 चार्ट बनेंगे ऐसे, ठीक है। तो कुछ में क्या होगा,
कुछ कुछ चार्ट क्या होगा, 10 मिनट बाद चेंज होंगे, कुछ 15 मिनट बाद चेंज होंगे, कुछ 7 मिनट बाद चेंज होंगे, कुछ 8 मिनट बाद चेंज हो जाएंगे। तो जितनी एक्यूरेसी आपके टाइम की होगी उतनी प्रेडिक्शन आपकी अच्छी जाएगी। ओके सर, थैंक यू। हां जी, यस उत्तम, उसके बाद गीतांजलि जी। उत्तम पूछना है कुछ? गीतांजलि आप बोलिए। हाँ जी सर, मुझे सर ये पूछना है, जैसे हम लोग ये लगन देख रहे हैं तो सर एक बार सर आपने टैरो के टाइम आपने सर मेरी जन्म पत्री का वो निकाला था पेज, तो सर उसमें फर्स्ट जो भाव है उसमें नंबर 2 लिखा हुआ था, दैट मींस इट इज टॉरस। टॉरस सर, पर उसमें एसेंडेंट था 25.34 एमआरजी। सर ये क्या चीज है? नहीं, एमआरजी नहीं होगा, कुछ और होगा। सर मार्गी होगा, मार्गी। नहीं नहीं, लगन थोड़ा मार्गी होगा यार, उस पर लिखते हैं लगन को, थोड़ा लिखा जाता है। असेंडेंट लिखा हुआ था सर, असेंडेंट तो लिखा होगा उसके अंदर। असेंडेंट लगन की भी एक डिग्री होती है, हर भाव की डिग्री है ना, हर भाव कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। ओके, 25.34 एमआरजी। तो एमआरजी नहीं मैडम, वो एमआरजी क्या लिखा है पता नहीं, क्या लिखा होगा उस टाइम। एम कैपिटल है और एमआरजी। हां जी हां जी सर, वो प्रिंटेड ही था कुछ, तो मुझे वो समझ नहीं आया मेरे दिमाग में था, क्योंकि वो मरकरी हो सकता है, एम ई लिखा हो, मरकरी होगा, मार्स मरकरी तो एम ई होगा ना, वो तो बड़ा था। हाँ, ये तो ए एस का बड़ा लिखा हुआ है, फिर सर 25:34 फिर एम आर जी। सर मैं आपको आपके प्राइवेट रेट्रो के, भाई लगन का भी रेट्रो नहीं होता सर। मांदी मांदी तो नहीं लिखा था, मांदी वांदी भी नहीं लिखा होगा यार, पता नहीं, अब देख लेंगे, कुछ लिखा होगा तो आगे देख। हाँ जी सर, मैं भेज दूंगा। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और कोई? उत्तम और सैजल। सैजल हो गया क्वेश्चन आपका? हाँ, नहीं सर, मेरा क्वेश्चन वही रिलेटेड था एक्चुअली, मेरे को ट्विंस है। ओके, जुड़वा बच्चे हैं उनका। हाँ, एक ही मिनट का फर्क है। अच्छा, कुंडली भी सेम है, सब कुछ सेम है उनका। हाँ, लेकिन आपने जैसे बताया उनका सब मींस उनका नेचर डिफरेंट है, वे ऑफ बिहेवियर डिफरेंट है, वो बात तो है ही। जो आप बोल रहे हैं कि कर्म भी करते होंगे तो कर्म भी अलग अलग है ना, इसलिए कहते हैं ना, सोचो बात को, एक ही माँ से बच्चे पैदा हुए, जुड़वा बच्चे एक ही वक्त में है ना, उनकी भी सब कुछ अलग है, सोचो। तभी तो मैं कहता हूँ कुंडली सेम होते भी सेम नहीं हो सकती। लेकिन सब कुछ यानी कि एक ही कुंडली समझ लो आप, क्योंकि एक ही। हाँ, मैं समझ गया, समझ गया मैडम, समझ गया। उनका D60 चार्ट बदल जाता है मैडम एक मिनट के अंदर। वैसे मैं बताऊं, इस डॉक्टर ये कहते हैं कभी भी एक मिनट नहीं, ड्यूरेशन ज्यादा होगी, दोनों बच्चों के गैप ज्यादा होगा। साइंस ये कहती है कि एक मिनट, जब बच्चा पहला बच्चा डिलीवर होता है उसके एक मिनट नहीं ज्यादा टाइम लगता है दूसरे बच्चे को डिलीवरी में। तो आप एक बार थोड़ा टाइम पूछना किसी डॉक्टर से। नहीं, टाइम मेरा सी सेक्शन हुआ था, सो अच्छा, हो सकता है कि सी सेक्शन से। ओके, हाँ उसमें हो सकता है, ठीक बात है। और उसमें भी फिर ये देखा जाता है कि भाई हमने, अब इसके लिए भी ये बड़ा मिथ है कि बच्चे का डिलीवरी कौन सी मानी जाए, कि बच्चा डिलीवर हुआ है या जब नाल काटी गई है या बच्चे को जब पहली सांस आई है ना। तो अभी तो आप ज्योतिष में आइए, बड़े सारे मिलेंगे, अभी कॉम्प्लिकेशन मिलेंगे आपको, किसको टाइम माना जाए। कुछ लोग कहते हैं कि जब डिलीवर हो गया, दूसरे जब कहते हैं जब माँ से अलग हुआ, नाल जब काट दी गई, कोड जब कट कर दी गई, तो बच्चे की अपनी फिजिकल आइडेंटिटी अब क्रिएट हुई है। और कुछ ये बोलते हैं कि जब तक उसको पहला सांस ना आए, सांस आया पहला तब उसमें प्राण ऊर्जा बही, तब उसका बर्थ हुआ ना एक्चुअल में। तो बड़े सारे फिर तो करेक्ट फाइंड आउट करना तो सर इम्पोर्टेंट मैडम, यही तो मुश्किल है ना। आगे पढ़ोगे तो देखो समुंदर है, तो तभी तो चीजें लगी हुई हैं, लोग पढ़ रहे हैं, आगे रिसर्च चल रही है सारी सारी। तो आइए आप भी रिसर्च में सहयोग दीजिए हमारा, ये तो बहुत एक्यूरेसी वाली बात है, है ना, एक्यूरेसी वाली बात है। तो जितना एक्यूरेसी आप जान पाएंगे, एक मिनट, जितना एक्यूरेसी आप जान पाएंगे उतना ज्योतिषी अच्छा बन जाएंगे। एक मिनट, महायोग जी पहले, महायोग का लेंगे क्योंकि उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, जिसने बात करनी है हैंड रेज करें। यस महायोग सर, एक पिछले टाइम आपने बताया था कि मेष लग्न में ना आंखें छोटी होती हैं। हाँ, तो जैसे अभी आज जो राशि में बताई उसमें आपने कुछ फेस का मिस था शायद, फेस का जो पहचान वगैरह था ना। ठीक है, वो तो मैं आपको अभी क्लू दे रहा हूँ सर, समझो बात को। अभी मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे ही होगा, आप ऐसे मान के बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं ना। वो किस नक्षत्र में है, नक्षत्र का रोल भी आएगा, ठीक।
उनपे जो जो प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसका रोल भी आएगा। आप अभी तो मैंने जनरल एक उसको बताया कि राशि की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, बस उसमें जितने नक्षत्रों का थोड़ा रोल आएगा, नक्षत्रों की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, प्लैनेट जो देख रहा है जो बैठा है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके भी रोल आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे थोड़ी मैंने क्या देखा, मेरी बताओ बताओ बताओ, मेरा मेष लग्न है तो मेरी आंखें छोटी हैं, तो मैंने कहा कि और भी राशियों के होंगे कुछ ऐसा जिससे पहचान सके कि ये इस राशि का हो सकता है। काफी जने ऐसे हैं, हमारे गुरु हुए थे, एक टीचर थे हमारे, वो आपका आपका शरीर देखकर आपको देखकर बता देते थे कि आपका लगन कौन सा होगा, आपके हाव भाव, आपकी भौहें, आपके हेड कितना है, आपके नैन नक्ष कैसे हैं, आपका डील डोल कैसा है, आपका स्ट्रक्चर कैसा बॉडी का, तो एग्जैक्ट बता देते थे। इसके लिए कोई बुक आती है, कोई एक्सपीरियंस है कोई बुक नहीं है, बुक तो हजारों है लेकिन उसमें कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं है वो पता नहीं ना। फिर दूसरा एक चीज और सर, सवाल बहुत सारे हो जाते हैं, मैं देख रहा हूँ 45 मिनट हो गए। कोई बात नहीं, क्या होता है ना कि देखिए अभी एक आध लेक्चर में क्यूरियोसिटी होती है, वो शांत करनी बहुत जरूरी है, आगे ऐसा थोड़ी ना होगा, आगे तो मैं बोलूंगा अभी जो क्वेश्चन आंसर है बाद 2 घंटे बाद होंगे 1 घंटे बाद होंगे, पहले पढ़ेंगे। शुरू में ना जब आप किसी नई फील्ड में जाते हैं ना बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, अगर वो क्वेश्चन आंसर क्लियर ना किए जाए तो आप पढ़ नहीं पड़ते, आप पढ़ नहीं सकते फिर आगे, क्योंकि वो आपको ना अंदर से परेशान कर रहे हैं। पहली क्लास तो हमने क्वेश्चन आंसर की थी, वो तो काउंट ही नहीं की हमने क्लास। सेकंड में फिर क्वेश्चन आंसर कम हुए, इस बार थोड़े कम हुए, अगली बार धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, फिर टॉपिक वाइज करेंगे। अभी क्या ना आपकी क्यूरियोसिटी बहुत सारी है, आपने कुछ सुन रखा है, आपने कुछ देख रखा है, बाहर के क्वेश्चन है, अभी आप धीरे धीरे कोर्स आगे बढ़ेगा तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन वो पूछेगा इसने पढ़ा होगा। थैंक यू ठीक है। हाँ जी, आप कोई पूछ रहे थे, क्या नाम था उनका लास्ट? सर मैं पूछूं कुछ? शालिनी जान बता, पूछो। सर जैसे ये भाव फिक्स्ड है तो राशि उदय हो रही है, जैसे सिंह राशि उदय, तो ऐसा भी तो हो सकता है जब अपन उदय होती है तो ये आधी 4 आधी 5 हो? नहीं ऐसा नहीं होता, अब मतलब पूरा एग्जैक्टली आएगी वही 5 तो आएगी वही आएगी, मतलब ऐसा अच्छा। नहीं बोल सकते ना, मैं आपसे टाइम पूछूं कितना हुआ है, क्या बोलेंगे मतलब तो, जैसे 30 degree है तो ऐसा नहीं आएगा ना, मतलब बेल्ट मतलब पूरा कंप्लीट जाएगा भाई। अभी टाइम हो रखा है 7:45, अब आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि 8 भी बज गए और 7 भी बज गए। अच्छा है तो okay. चल रहा 7 पे है ना, जैसे हाँ, वो 8 हो जाएगा मतलब 59 के बाद हाँ, फिर आप बोलेंगे 8 बज गए हाँ, 59 अच्छा, तक भी आप ये नहीं बोलेंगे, 7 और 8 दोनों बजे हुए। अच्छा ठीक है, इसी तरह से जो राशि है जैसे अपन जैसे हाँ सर, सर इसमें जैसे अपन राशि जैसे जो राशि है इसको जैसे 2.5 नक्षत्र 2 1/4 रूल कर रहे हैं तो उन नक्षत्रों की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इसके अंदर? बिल्कुल आएगी ना, आप किस नक्षत्र में पैदा हुए, नक्षत्र के अपना बहुत बड़ा रोल है, किस तिथि में पैदा हुए हैं उसके अपने बड़े मतलब है, किस तिथि में। अच्छा ये अपन अच्छा ओके, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स तो 5-6 हो गई एक साथ। हाँ जी, तो इतना आसान है ना सर, एक बार मैंने एक जन्म पत्री में Okay. हाँ जी, एक सर हम नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स भी करेंगे अभी? सब करेंगे मैडम, सब करेंगे, धीरे धीरे कोर्स पड़ेगा आगे और धीरे धीरे हम सीखते चलेंगे। ओके 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 ठीक है। हाँ जी मैडम, आप बोलो, कौन बोल रहे थे मैम? गीतांजलि जी, हाँ बोलिए बोलिए गीतांजलि बोलिए। हाँ जी सर, मैं एक जगह पढ़ रही थी सर, एक जन्म पत्री में लिखा था टाइम नहीं था सर, उसमें लिखा था 25 घड़ी 30 पल, तो सर वो क्या चीज हुई सर? ये पहले जो टाइम नोट किया था घटी 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 नॉट घड़ी घटी 25 घटी है, घटी पल और विपल, ये पहले टाइम को इस फ्रेम में लिखा जाता था, अब घंटा मिनट सेकंड आ गया ना, तो पहले जो पत्री बना करती थी घटी पल और विपल में बना करती थी, अब उस घटी को कैसे मिनटों में कैसे घंटों में कन्वर्ट करेंगे वो भी फिर कभी किसी लेक्चर में सिखाऊंगा आपको। ओके थैंक यू सर। चलो हो गया जी क्वेश्चन, उत्तम तुम्हारा रह गया क्या कुछ बताओ? उत्तम कुमार हैंड रेज करके। हाँ सर नमस्ते। हाँ जी बताओ। सर मुझे ये जानकारी जाननी है, जैसे मेरी जो लग्न राशि है वो तुला राशि है ठीक है हाँ। और मेरी जो चंद्र राशि है वो मकर है, लेकिन मेरा नाम उत्तम आता है हाँ। ठीक है, वृषभ लग्न वृषभ राशि का हाँ। तो मेरी जो राशि है कौन सी मानी जाए, किस राशि से मैं अपना जो है फ्यूचर देखूं कैसे क्या? जब कभी भी ज्योतिष की बात करेंगे ठीक है, जब कभी ज्योतिष की बात करेंगे
और ज्योतिष में सिंपल अगर राशि की बात हो रही है आपकी, तो राशि दो ही काउंट होंगी, आपकी लग्न राशि और चंद्र मून राशि। और राशि से कुछ नहीं होता सर, एक राशि के मतलब 12 राशि के लोग हो सकते हैं ना धरती पर। अब कितने लोग हैं, कितने लोग हैं धरती पर पूरे? तो एक राशि के अंदर उसको 12 में डिवाइड कर दो, तो एक राशि के अंदर कितने 100 करोड़ से ऊपर लोग आ जाएंगे। 100 करोड़ तो 150 करोड़ तो इंडिया की जनसंख्या होगी, ठीक है। तो एक राशि के 100 करोड़ या 70 करोड़ लोग हैं। अब क्या 70 के 70 करोड़ के लोगों की एक जैसा सबकी शादी हो रही है क्या? उसमें वहां तो लिख दिया गया कि मेष राशि वालों की शादी हो जाएगी। अब 70 करोड़ की शादी हो रही है क्या? नहीं सर, एक्चुअली हमें जानकारी ये लेनी है, तो मेरी जैसे नाम से बन रही है वृषभ राशि, ठीक है, और कुंडली से बन रही है हमारी मकर राशि, ठीक है। ज्योतिष में नाम का कोई यूज नहीं है, मैं तो नाम भी नहीं पूछता आपका। जब आपसे कुंडली दिखाएंगे ना मुझे, मैं नाम, मुझे नाम से क्या लेना, ना मुझे शक्ल से लेना, ना मुझे नाम से मतलब आपके, मुझे डेट टाइम और बर्थ प्लेस चाहिए बस आपका। अच्छा, तो नाम की कोई वैल्यू नहीं है ज्योतिष के अंदर। अच्छा, ठीक है सर। ओके जी, चलो आप कुछ की तो क्यूरियोसिटी से शांत हुई। और जो बाहर सुन रखा है, पढ़ रखा है किताबों में, ऐसा यूट्यूब पर ऐसा उसने ऐसा बताया, वो अगली बार से प्लीज मत पूछना, क्योंकि क्या होता है ना कि अब आप उसमें उलझे रहे, सब छोड़ दो। अब आप में मेरे साथ एडमिशन लिया है तो फेथ रखो, आपको सही राह पे चलाऊंगा और ऑथेंटिक नॉलेज दूंगा, ठीक है। मैं कभी मिसगाइड नहीं करता, और जो चीज नहीं आती मैं हाथ जोड़ के बोल दूंगा कि मुझे नहीं आता, जो है ना मैं ब्रह्म ज्ञानी बन गया हूँ, ठीक है। लीना जी आप बोलो। देखिए जब भी किसी ने प्राइवेटली कोई बात करनी है प्लीज मेरे को मैसेज डालें पहले, ठीक है। मैं तो मेरा कुछ ना कुछ हर वक्त चल रहा होता है, हर वक्त मेरा कुछ कोर्स कहीं, मैं हर वक्त एसोसिएट रहता हूँ या अपना कुछ काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जो दिख रहा है इसके पीछे पीछे भी काम करना पड़ता है मुझे, सारा पीपीटी और ये नॉलेज और ये मटेरियल इकट्ठा करना। तो जब भी आप किसी ने बात करनी है तो प्लीज मेरे को पहले व्हाट्सएप कर लें, मैं आपको वहीं टाइम लिख दूंगा कि आप उस टाइम बात कर लेना। सर मैं ये पूछ रही थी कि फिर ल और अ, जैसे अगर आप बोल रहे हैं जैसे नाम से हमें मतलब नहीं है, तो हम जब है ना हिंदी में राशियां देख रहे होते हैं तो उसमें ल म अ से हम राशियां करते हैं, तो फिर वो क्या होता है फिर? मैडम आप ज्योतिष में उसका कोई मतलब नहीं है, समझो बात को। वो तो ये है कि जो आपने नाम राशि रखी है, अब इसके बहुत गहरे मतलब है। अब हम मेरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स चल रहा है, उसके अंदर हमारा छठी क्लास थी, तो आज मैंने बताया कि नाम को कैसे रेक्टिफाई करते हैं आप लोग, नाम को कैसे अपने कंपेटेबल बनाएंगे। ये नाम का मतलब ये है कि आप अपने ये जो पाथ क्रिएट किया है उसमें ऑब्स्टिकल आएंगी या नहीं आएंगी, या जो कुंडली में लिखा है, चाहे दुखी लिखे हैं वो दुख भी आसानी से जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सब ये एनर्जी है। उस नाम की एनर्जी आप ले रहे हो, उस राशि की एनर्जी ले रहे हो, तो वो जो आपको दुख है सुख है उसमें क्या वो कमी करेंगे या उसको बढ़ाएंगे क्या करेंगे, लेकिन जो है वो तो मिलेगा। तो नाम की एनर्जी आपको इसलिए काम आती है, जैसे न्यूमरोलॉजी मैंने बताया कि ये नहीं है कि नीता किसी ने नाम रखा है तो डबल एन लगा लो डबल ए लगा लो तो हो गया सब कुछ ठीक। आज मैंने एक्चुअल वे में बताया कि कैसे नाम चेंज किया जाता है, उसको जब नाम चेंज करते हैं, जब जो नाम है आपका वो आपका जो मून साइन है उससे क्या कंपेटेबिलिटी है उसकी चंद्र राशि से, और मैंने न्यूमरोलॉजी से भी आपको बताया कि टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर से उसकी क्या मतलब है। तो कोई भी चीज इतनी आसानी से चेंज नहीं होती, उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक होता है। नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि जो हम लोग ना न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि आपका नाम वहां से अगर फायदा है, नहीं है उसका, तो ये राशि हुई, कुछ फायदा नहीं है वो सब, कोई मतलब नहीं है उसका। आप खुश होते रहे तो देख देख के, आप सिंपल सी बात समझो ना, इस संसार में कितने करोड़ों लोग हैं, पहले तो राशियां अगर सन साइन से लेते हो तो 12 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब मान लिया आपने, आपका नाम अनीता है या लीना है, तो लीना एक ही नाम है क्या? ला देखा ना, लास्ट वर्ड से करोड़ों लोगों के नाम है, क्या सबके साथ वही हो रहा है? हाँ जी सर। लीना जी खुश कि भैया आज तो लावर्ड से लिखा है, धन की वर्षा होगी आज, तो लूट लो धन, ऐसा नहीं। थैंक यू सर। चलो ओके, ठीक है सुमित जी, थैंक यू। चलो टाइम तो हो ही गया, और पूछ लो भाई एक आध क्वेश्चन और पूछ लो, नेक्स्ट टाइम फिर हम क्वेश्चन आंसर काम करेंगे और आगे कोर्स को आगे बढ़ाएंगे कि हर भाव से क्या मतलब है ना। अभी हमने सिर्फ राशि के बारे में सीखा है, फिर हम हर भाव, कुंडली के 12 भाव हैं, उन 12 भाव से पहले भाव से आपके जीवन में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, दूसरे भाव से क्या देखी जाएगी, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे काम होंगे, आपके
बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन किसी ना किसी भाव से देखा जाता है, ठीक। हर आपके रिलेशन किसी एक भाव से आएंगे। आपके लाइफ में जो एक्टिविटी है, मान लो शादी हुई है, बच्चे होंगे, प्रोफेशन करने जाओगे, दुख सुख आएंगे, ट्रैवलिंग होगी, है ना, दोस्त यार दोस्त बनेंगे, आप में कुछ क्रिएटिविटी होगी, एबिलिटी है आपकी, तो हर चीज आपकी लाइफ की किस भाव से देखी जाएगी। वैसे तो एक भाव से कई सौ चीजें देखी जाती हैं, लेकिन अभी वो धीरे धीरे हम बताएंगे, इकट्ठा बता नहीं सकते। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं लाइफ की, तो दस 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 बीस बीस चीजें, मैं हर भाव से क्या चीज देखी जाती है वो आपको बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे प्लैनेट की, कि हर एक प्लैनेट के मतलब क्या है, वो किस किस को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप में वो प्लैनेट क्या रोल प्ले करेगा, ठीक है, उसके नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी करेक्टरिस्टिक कैसी है उस प्लैनेट की, और वो प्लैनेट आपको लाइफ में क्या क्या चीज दे सकता है। फिर हम पहले हमने राशि देखी है, फिर भाव देखेंगे, फिर प्लैनेट देखेंगे, फिर आगे जाके थोड़े कोर्स को आगे बढ़ाएंगे कि प्लैनेट के आपस में मित्रता शत्रुता क्या मतलब है, है ना, नीच उच क्या होता है, दृष्टि संबंध क्या होता है प्लैनेट का, फिर वो आने वाले तीसरे लेक्चर में हम वो चीज देखेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम भाव और प्लैनेट कोशिश करेंगे दोनों चीज हम कवर कर लें। ओके जी, चलो किसी को अच्छा क्वेश्चन के लिए फिर हाथ खड़े हो गए वो सर। चलो अजय शर्मा जी, फिर सारे सर मुझको ये पूछना है कि जो नाम, जैसे जब बॉन्ड होते हैं तो नाम किस वे में रखा जाता है, जैसे नाम रखा जाता है कि एक ऐसा नाम दिया जाए आपको, हाँ जी हाँ जी, एक आपको ऐसा नाम दिया जाए जिसकी फ्रिक्वेंसी आपकी चंद्रमा की राशि जो बनी है उससे कंपेटिबल हो जाए, जो आप सोच रहे हो, जो करने के लिए आए हो, वो एक ही डायरेक्शन में कर सको, ये नहीं करने को चाहे थे धरती पर और लगे किसी और काम में हो, तो एक ऐसा नाम दिया जाए आपको, उस नाम की एनर्जी आपको दी जाए कि जो करने आए हो, ठीक है, उसके लिए प्लेटफॉर्म आपको एक जैसा मिले और कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म को आप कैश कर सकें लाइफ में। तो मतलब स्पेसिफाइड कैसे करते हैं कि जैसे अभी अब जैसे मैं, मेरा नाम ए से है, या अभी जब मेरी डॉटर हुई तो उसका नाम के से निकला, मैं पंडित जी ने बोला वो ऐसा निकलता है, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है उस वक्त चंद्रमा को देखा जाता है किस राशि में है, ठीक है, उस राशि के बाद देखा जाता है, क्योंकि राशि के अंदर सवा दो नक्षत्र भी है, जैसे मैंने बताया अभी आपको, राशि तो एक बड़ा पार्ट हो गया, हाँ हाँ सर हाँ, नक्षत्र मतलब वो पिन पॉइंट कर रहे हो, तो चंद्रमा किस राशि में था, किस नक्षत्र में है और अच्छा। कौन से चरण में है, ओके, ये सब कुछ पता लगकर फिर हर चरण का एक एक अल्फाबेट है जो क्लासिकल में दिया हुआ है कि इस अल्फाबेट, इस चरण का ये अल्फाबेट है, ओके, वो हम चार्ट है हमारे पास, उस चार्ट को देखकर बताते हैं कि आपकी बच्ची इस राशि, इस नक्षत्र, इस चरण में पैदा हुई है तो इसका नाम इस वर्ड से निकलता है, ओके, ठीक है सर, वो प्लीज टेबल वगैरह आपकी तरफ से आवाज आ रही है, आप इसको कम करो नहीं तो फिर बाद में बात कर लेंगे, आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रही थी, प्लीज। ओके, अब रुचिका, नीलम गुप्ता एंड सारिका, नीलम गुप्ता एंड सारिका, मुझे कोई भी आप बोल सकते हैं। सर नक्षत्र ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें कुंडली में या राशि? देखिए राशि को मैं बताऊं, जैसे हम कहते हैं ना प्लेनेट इस राशि में बैठा है, इसका मतलब है कि आप जैसे मेरे से आप पूछें कि सर आप कहां पर हो, तो मैं बोलूंगा भाई अपने घर में हो जी, है ना, तो घर इज राशि। नक्षत्र का मतलब है मेरे घर के अंदर, मान लिया मेरे तीन कमरे हैं जी, नक्षत्र इज तीन कमरे, अब आपने तो बोल दिया सर कहां पर, मैंने बोला भाई घर में हो, अब घर में, घर से आप डिसाइड नहीं कर पाते कि सर क्या कर रहे होंगे, अब मान लीजिए मैंने बोला जी मैं अपने स्टडी रूम में हूं, तो आपको पता लग गया ना, स्टडी रूम मतलब नक्षत्र, नक्षत्र बताता है एक्चुअल में आप घर के किस कोने में हो, उस कोने से डिसाइड हो जाता है कि आप क्या कर, आपकी एक्टिविटी कैसी रही, आप अगर मैं बेडरूम में हूं तो आराम कर रहा हूं, रिलैक्स कर रहा हूं, किचन में अगर मैं हूं तो खाना बना रहा हूं, मोटी मोटी बात है ना, तो नक्षत्र ज्यादा बारीकी में जाने का, ज्यादा बारीकी मतलब घर में होते हुए भी और पता लगाना है कि ये प्लैनेट कर क्या रहा होगा जी जी, तो वो नक्षत्र बताता है, और एग्जैक्ट
मतलब मैं अगर स्टडी रूम में भी हूँ तो मैं रिलैक्सिंग चेयर पे हूँ या बिल्कुल टेबल पर हूँ, कुछ लिख रहा हूँ टेबल पर हूँ तो कुछ लिख रहा हूँ, और रिलैक्सिंग चेयर पर तो कोई बुक पढ़ रहा हूँ, तो चरण ये बताता है एग्जैक्ट में क्या कर रहे हो। जी जी, तो ये मतलब है इसका, तो नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल है ज्योतिष। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, आगे हमारा हमारे कौन थे, नीलिमा जी हो गया आपका? सर, जैसे मेरा बेटा बॉर्न हुआ 5:56 इवनिंग में और 5:58 पे लगन बदल गया विद इन 2 मिनट्स, ठीक है? तो अगर मैंने उसका, अगर हम उसकी पत्री उसके एग्जैक्ट टाइम पे देखते हैं, उसमें उसका बृहस्पति लगन में आता है, 9 नंबर लगन है और बृहस्पति लगन में है, और वही 2 मिनट्स के बाद अगर हम करते हैं तो वो राहु आ जाता है लगन में, राहु आ जाता है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं उसके उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको बोला जाता है जो आपका लगन है ना बच्चे का, वो संधि पर है, संधि मतलब बॉर्डर पे है, और okay. आप ना अब इसको पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है, वो आगे बताएंगे अब जब एडवांस में चीज सीखते हैं ना, तो एग्जैक्ट में लगन कौन सा है बच्चे का वो आपके लगन से ही पता लगता है, फिर अगर उसका कोई भाई बहन होगा तो उससे भी हम लगन को रेक्टिफाई कर देते हैं कई बार। ओके सर, वही ना, उसकी मैं ध्यान से देखूं तो दोनों कुछ चीजें उसकी है, कुछ चीजें दूसरी है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। जब चीज बॉर्डर पे हो ना तो दोनों की क्वालिटी आती है, दोनों लगनों की क्वालिटी आती है। ओके, ये भी मतलब है। ठीक है, थैंक यू सर। तो जो गांव आप देखेगा, जो गांव बिल्कुल बॉर्डर पे होंगे ना, तो उसमें दोनों की लैंग्वेज आ जाती है। ठीक, तो ये मतलब है, सिखाएंगे आगे। जैसे आपकी कुंडली बनती है ना, तो जैसे आपकी पूरी फैमिली है ना, पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, तो डीएनए मैचिंग होती है ना, जैसे आप मेडिकल साइंस में कराते हो, डीएनए कराते हो, पता लगता है कि ये बच्चा इन माँ बाप की संतान है, तो इसी तरह से ज्योतिष में डीएनए है। ठीक है, आपको डीएनए कराने की जरूरत नहीं है, हम बता देंगे कि आपका लगन कौन सा है या दो बच्चे कौन से हैं आपके इन 10 में से, तो ये है ज्योतिष। जैसे डीएनए मैच होना चाहिए ना दो बच्चों का आपस में, इस तरह से दो बच्चे जो आपस में बहन भाई हैं, ये ज्योतिष में पता लगता है कि बहन भाई है नहीं है, है तो है ये तो पता ही है, तो लेकिन अब उसका लगन रेक्टिफाई करना पड़ता है फिर, यानी कि कई बार चीजें हम आपके रिलेशनशिप से लेकर आपके बच्चों के लगन डिसाइड करते हैं, यानी कि बर्थ टाइम को रेक्टिफाई कर पाते हैं इसकी मदद से। थैंक यू सर। ओके, नम्रता जी का हो गया, नम्रता जी पूछना है कुछ आपका हो गया? चलो, हाँ पूछो। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि D9 चार्ट होता है जो रिलेशनशिप के लिए होता है, हाँ, तो शादी के लिए, शादी के लिए, तो जैसे ये चार्ट है D9, इससे हम रिलेशनशिप जो हमारी शादी है उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। यस, इसमें हमारी शादी किस टाइम पर हुई, किस समय हुई, ये सब चीजों का भी रोल आता है? नहीं, आप देखिए, सबका रोल तो सबका आएगा, जब कोई आपके लाइफ में इवेंट होता है ना तो उस वक्त लगन भी एक्टिवेट होता है और वर्गाचार भी एक्टिवेट होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, लगन से तो सब कुछ देखा जा सकता है। अब मान लो शादी देखनी है, शादी आपकी 7th-7th घर से शादी होती है, 7th घर क्या है, आपके पार्टनर का है, आपके स्पाउस का है, लेकिन अब 7th घर सिर्फ पार्टनर का तो नहीं है, 7th घर से तो बहुत 10 चीजें और देखी जाती है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा इस टाइम में शादी होगी, दूसरी एक्टिविटी क्यों नहीं होगी? तो वो वर्गा चार्ट में जाके देखते हैं कि वर्गा चार्ट में अगर वो 7th या लगन एक्टिवेट है तो कहना कि शादी का टाइम आ गया। जैसे कुछ जगहों पर पंडित कह देते हैं कि ये तारा डूबा हुआ है, अभी शादी नहीं हो सकती, वो तो अलग मतलब है, तारा डूबने का मतलब है, तारा मतलब शुक्र, और शादी का मतलब क्या होता है, शुक्र संबंध बनाना, रिलेशनशिप में बनना, तो सारे सारी चीजें शुक्र की चीजें हो रही हैं, शादी करना, ठीक है, तो शुक्र से रिलेटेड काम कर रहे हो, लेकिन वही अस्त है, तारा डूबने का मतलब, तारा मतलब शुक्र की बात कर रहे हो, एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, चमकता है सूरज, अभी आप ये देखना सुबह सुबह दिख जाएगा आपको सूर्य की तरह चमक रहा होगा लाल, और वो क्या है, अस्त हो जाए, तो क्या हो मतलब है कि शादी नहीं होगी। चलो जी, और आगे एक चीज ये पूछना थी सर, आपका न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स होता है उसकी क्या फीस स्ट्रक्चर है? फीस स्ट्रक्चर मैडम 12,500 है, 12,500 है। और कोर्स टाइमिंग, ड्यूरेशन? ड्यूरेशन तो अभी जो बैच चल रहा है वो हफ्ते में 2 दिन चल रहा है, सैटरडे एंड संडे, 4-6 दो महीने का कोर्स है, तो टोटल मोटा मोटा 15-20 क्लासेस इसकी होती है, टोटल 20 क्लासेस का होता है, इसमें आपको पाइथागोरस सिस्टम एंड लो शुगर दोनों सिस्टम पढ़ाते हैं। थैंक यू सर। ओके, ऐसी चीज हो ना जो
इस कोर्स से रिलेटेड नहीं हो तो कोशिश करो आउट ऑफ द वे पूछो, क्योंकि इसमें ना सबका टाइम लगा हुआ है। तो प्लीज अभी क्वेश्चन वही करें जो इस ज्योतिष से रिलेटेड है और वो भी टॉपिक से रिलेटेड। किसने पर्सनल बात करनी है यू आर मोस्ट वेलकम, आप मेरे को अलग से बात कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों की गलती नहीं ना, वो बेचारा सुन रहा है, उसको क्या मतलब आप क्या कोर्स करना चाहते हो, तो सबका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मेरे से पर्सनली पूछ लो। यस महक जी, ऋषभ एंड महक लास्ट दो क्वेश्चन। सर जो आपने सर जो आपने 2 आवर्स निकाला था जो हम लगन कैलकुलेट करते हैं, हाँ जी, तो वो आपने बोला था कि 2 घंटे तक रहता है, हाँ जी, मोटा मोटा 2 घंटे रहता है, हाँ जी, तो आपका कैसे पता सर, कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैडम मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जब आगे बढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ज्ञान ले लो कि भाई 2 घंटे एक लगन रहता है, हर 2 घंटे में लगन चेंज हो जाता है, अभी इतना समझ में आ गया दूसरी क्लास में तो बहुत बड़ी बात है, समझने में 2 महीने लगते हैं लोगों को। अभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन फिर बाद में कराई जाएगी आपको, कैसे लगन बनता है ना, कैसे लगन डिसाइड होता है, वो सर बहुत बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, फिर पंचांग देखकर, फिर एफीमेरिज है जहां पर ये रोज के प्लैनेट की डिग्रियां लिखी होती हैं, है ना, कौन सा प्लैनेट कौन सा लगन किस वक्त उदय हो रहा है, उसको पूरा चार्ट होता है, उसको एनालाइज करके कैसे उसको लेकर उसको कैसे हम लगन डिसाइड करेंगे, प्लैनेट को बैठाएंगे, वो सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो आगे करवाई जाएंगी, अभी नहीं आगे करवाई जाएंगी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ऋषभ लास्ट क्वेश्चन। यस सर, मैं कह रहा था कि जो अभी हमने राशिस को स्किप करा है, उसका क्या मुझे पीपीटी या फिर जो भी एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जो मैं आपको सब मिल जाएगा, जिससे मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको एज इट इज मिल जाएगा सर जी। ओके ओके, ठीक है, क्वेश्चन। अभी आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है आपने, कुछ ना यूट्यूब कुछ नहीं देखना, जो देखना उसको भूल जाना। अगर मेरे से पढ़ना है तो प्लीज अपना जो पिछला इकट्ठा कर रखा है ना आपने मसाला, सब छोड़ दो, वरना जीवन भर उसमें उलझ जाओगे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, चलो ओके जी, ऑल द बेस्ट। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो पूछो, कोई बात। सर जैसे कि आपने अभी बोला ना कि नक्षत्र जो है वो ज्यादा माइन्यूट हमें बताते हैं, हाँ जी, हाँ, तो अगर जैसे किसी का नक्षत्र, जैसे आपने लास्ट क्लास में बोला था मूला नक्षत्र जो अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है, हाँ जी, तो किसी का नक्षत्र ही मूला हो और जो मतलब बोलते हैं कि जो माइन्यूट चीज है वो ही अगर खराब हो तो क्या? नहीं, मैंने कब बोला, मैंने वैसे बोलते ना कि मेरे ये वर्डिंग थे कि मूल नक्षत्र खराब होता है, नहीं ऐसे नहीं थे, बट ऐसा था ना कि लोग ऐसे पूछते हैं कि कहीं मूला तो नहीं, तो मतलब यही हुआ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मूल नक्षत्र का मैंने आपको मतलब बता देता, और मूल नक्षत्र में भी बताया था ना आपको क्यों मूल नक्षत्र क्या होता है, क्या है, क्या नहीं सारा, ठीक, उसके अंदर भी ये देखा जाता है कि मूल का और बड़ा गहरा मतलब है, मूल नक्षत्र में तब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रोल प्ले हो जाता है, जब वो मूल नक्षत्र पहले बताया था बनते कौन कौन से हैं, पहला 9वां 10वां है ना 18वां और 19 और 27वां नक्षत्र, ये मूल नक्षत्र हैं, इन मूल नक्षत्रों में भी अगर वो चरण एग्जैक्ट वहां आ जाए, जैसे चौथा चरण आ जाए या पहला चरण आ जाए, तो तब एक्चुअल में मूल होता है बच्चा, लेकिन पंडित लोग क्या करेंगे, उस नक्षत्र पूरे नक्षत्र में पैदा हो गया ना तो उसको मूल डिक्लेयर कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अश्विनी नक्षत्र का जो पहला नक्षत्र है में बच्चा पैदा हुआ है तो वो मूल में पैदा हुआ है, अगर तीसरे चौथे मगर नक्षत्र जो होता है वो फर्स्ट मगर नक्षत्र के चौथे चरण में अगर पैदा हुआ है तो वो मूलों में पैदा हुआ है, संधि, मूलों का मतलब समझ लो संधि है, गांठ पड़ी हुई है वहां, अब कोई चीज जुड़ रही है कहीं पर जाकर, तो वो कोई भी ऐसा पार्ट लाइफ का हो, बॉडी का हो, घर का हो, वो वीक होता है जहां जोड़ है। अच्छा, मतलब मगा में भी ऐसा होता है, मगा 1 2 3 4, हाँ जी, हर नक्षत्र के 4 चरण है। अच्छा ठीक है, फिर तो आ गई आप, है ना, जहां जोड़ लगता है वही तो टूटता है, आपका हार्ट कहां से टूटेगा मोस्टली, जहां ज्वाइंट है, हाँ, जहां ज्वाइंट है वहीं से, क्योंकि ज्वाइंट जहां आता है वहां वो नाजुक चीज है, वो अब अगर आप ऐसे संधि पर पैदा हो गए, ऐसे नक्षत्र पैदा हो गए जो बिल्कुल ज्वाइंट पर है तो नाजुक है ना वो पॉइंट, बस ये मतलब है। चलो ठीक है, ओके जी, थैंक यू सर, ओके सर, बने रहिए, पेशेंस रखिए, ज्योतिष आ जाएगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। थैंक यू सर, ओके जी, ओके, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, थैंक्स, बाय।